कैसे हो बच्चों? उम्मीद है बेटा आप सब लोग ठीक होंगे। और जो बीच में जो आपको ब्रेक मिला उसमें आपने पीछे का रिवाइज भी किया होगा, अपनी स्टडी अच्छे से की होगी। अब हम बच्चों आगे अपनी कंटिन्यू क्लासेस के थ्रू अपना बचा हुआ सिलेबस कंटिन्यू करेंगे बेटा, ठीक है। चलो बच्चों, अपन बात कर रहे थे बेटा, देखो अपनी क्लास में अपन बात कर रहे थे आयनिक इक्विलिब्रियम की, ओके ठीक है बच्चों। तो बच्चों पीछे जो अपनी क्लासेज में हुआ है उसको थोड़ा सा मैं आयनिक को स्टार्टिंग से रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि थोड़ी कनेक्टिविटी बने बेटा कि अपन क्या पढ़ रहे थे और आगे हमें क्या पढ़ना है, ओके। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं बेटा आयनिक इक्विलिब्रियम। अपना अपन चैप्टर पढ़ रहे थे फिजिकल केमिस्ट्री का आयनिक। आयनिक में सबसे पहले अपन ने लिखा था बेटा एसिड बेस कॉन्सेप्ट, क्यों? क्योंकि मैंने कहा था बड़ा चैप्टर है बेटा, इसमें फॉर्मूले भी बहुत सारे आएंगे, कई सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे, लेकिन कुछ बेसिक टर्म्स होती है बेटा इसकी, अगर आपको उसका आइडिया है तो कहां क्या अप्लाई करना है, कुछ ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा बेटा, ओके। मैंने कहा था बेसिकली हमें एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, बेसिकली इसका आइडिया होना चाहिए, फिर स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, वीक कौन सा होता है, इसका आइडिया होना चाहिए, और पीएच के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा, उनका आइडिया हमें होना चाहिए, क्लियर। क्योंकि मैंने कहा था एग्जाम्पल देखते ही सबसे पहले आइडिया आपको यह होना चाहिए, जो एग्जाम्पल हमें दे रखा है एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, किसका एग्जाम्पल है, उसी के अकॉर्डिंग सभी के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, ओके। फिर अलग अलग फॉर्मूले तो हमने डेराइव करके देखे हैं बेटा, और भी आगे करेंगे। तो सबसे पहले बेसिकली अगर अपन बात करें, पीछे का रिवाइज करें, सबसे पहले अपने लिखा था एसिड बेस कॉन्सेप्ट। एसिड बेस कॉन्सेप्ट का मतलब है अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने अकॉर्डिंग क्या किया था, एसिड को, बेस को और वॉटर की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया था, ओके। मेन कंक्लूजन सभी का सेम था, लेकिन थोड़ा सा अपने अपने अकॉर्डिंग उन्होंने इस बात को डिस्क्राइब किया था, ओके। कैसे? सबसे पहले अपने कहा था बेटा आरएनएस कॉन्सेप्ट। आरएनएस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है, तो आरएनएस ने क्या कहा था बेटा, एसिड वो स्पीसीज जो एक्वस सॉल्यूशन में एच प्लस आयन डोनेट करते हैं उसे क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं, और इस कैरेक्टर को बोलते हैं एसिड की बेसिसिटी, क्लियर ठीक है। बेस कौन होते हैं, जो एक्वस सॉल्यूशन में क्या करते हैं, ओएच माइनस आयन डोनेट करते हैं, और इस कैरेक्टर को बोलते हैं बेस की एसिडिटी बेटा, क्लियर ठीक है। अब अपन बात करेंगे, और हमें पता है एसिड और बेस H+ और OH- आयन तो डोनेट करते हैं, लेकिन हमें पता है सभी के नंबर ऑफ डोनेटेड H+ या OH- आयन क्या होते हैं बेटा, डिफरेंट हो सकते हैं, उसके बेसिस पे हमने इनको डिवाइड किया था, जैसे मोनोबेसिक, डायबेसिक, ट्राइबेसिक या मोनो एसिडिक, डाय एसिडिक, ट्राई एसिडिक, क्लियर ठीक है बेटा। वॉटर की बात करिए तो आरएनएस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या कहेंगे, वॉटर क्या होता है, न्यूट्रल नेचर का होता है, जो कि न तो H+ डोनेट करता है न ही OH- आयन डोनेट करता है, क्यों? क्योंकि आरएनएस ने क्या किया था, आरएनएस ने ओनली एंड ओनली वाटर को मीडियम की फॉर्म में यूज किया था, उन्होंने वाटर खुद H या OH- आयन डोनेट करे इस बात को इन्होंने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया था बेटा, क्लियर ठीक है। अब बात करें ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट की, ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करें बेटा, तो ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट में अपने कहा था एक इसका नाम आया था कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ओके। कॉन्जुगेट के लिए मैंने ट्रिक बताई थी बेटा, जस्ट अपोजिट, ओके। जहां कॉन्जुगेट लग जाए क्या करना है बेटा, अपोजिट कर देना पहले का। आप कहोगे सर अपोजिट कैसे, तो पहले जो एसिड है अब उससे क्या बन जाएगा, बेस बनेगा, पहले अगर बेस था तो अब क्या बनेगा, एसिड बनेगा, पहले स्ट्रॉन्ग था तो अब क्या बन जाएगा, वीक बन जाएगा, पहले वीक था तो क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। आप कहोगे सर अब बन जाएगा, ये सब कैसे, H+ या OH- आयन का एक्सचेंज करके। मैंने एक्सचेंज बोला है बेटा, डोनेट करना और गेन करना दोनों पॉसिबल है, ओके। कैसे, एसिड के लिए क्या कहा था ब्रोंस्टेड ने, ब्रोंस्टेड ने कहा था एसिड वो स्पीसीज है जो H+ आयन डोनेट कर सके या फिर OH- आयन गेन कर सके, क्लियर ठीक है। अगर कोई एसिड ऐसा करेगा तो वो अपने कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन करेगा, क्लियर। बेस वो स्पीसीज है जो OH- आयन डोनेट कर सके या फिर H+ आयन गेन कर सके, क्लियर। अगर ऐसा होगा तो बेस से जो नई स्पीसीज बनेगी OH- आयन डोनेट करके या H+ आयन गेन करके, वो बोली जाएगी उसका कॉन्जुगेट एसिड, क्लियर ठीक है। वॉटर की बात की, इन्होंने क्या कहा था, वाटर कैसा होता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है, जो कि H+ या OH- आयन दोनों क्या कर सकता है, डोनेट भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है बेटा, तो इसे बोलते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर, क्लियर ठीक है। थर्ड कॉन्सेप्ट हमने लिखा था बेटा लुईस कॉन्सेप्ट, इसका निकनेम अपन ने लिखा था इलेक्ट्रॉन पेयर कॉन्सेप्ट। नाम से पता चल रहा है बेटा इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का रोल होता है। अभी तक जो हमने आरएनएस और ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट में हमने H+ या OH- आयन के एक्सचेंज की बात की है, यानी डोनेट और गेन करने की बात की है, लुईस कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में स्टडी करते हैं, ओके।
कैसे? तो इन्होंने क्या कहा, एसिड, एसिड कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं बेटा, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी शो करते हैं। मैंने क्या कहा, एसिड कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी शो करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए। अब इसकी अलग अलग कंडीशंस मैंने लिखाई थी, मैंने कहा था 40-50 एग्जांपल्स रटने की बजाय कंडीशंस ध्यान रखना बेटा। कैसे, मैक्सिमम कैटायनिक स्पीसीज अगर पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में है तो हमें पता है वो पॉजिटिव है, तो वो नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते, कर सकते हैं, मतलब वो क्या होगा बेटा, लुईस एसिड होगा। दो एक्सेप्शन अपने लिखे थे बेटा, याद है ना, NH4+ और H3O+। इसका रीजन भी मैंने बताया था, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना, तो ये पॉजिटिव होने के बाद भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते तो वो कभी भी लुईस एसिड नहीं होगा। क्लियर? सेकंड कंडीशन अपने क्या लिखी थी, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल बोला है, इसका मतलब क्या होगा, ऑक्टेट क्या है, इनकंप्लीट है बेटा, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट अगर इनकंप्लीट है तो क्या करेगा, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता नहीं कर सकता, कर सकता है तो वो लुईस एसिड होगा बेटा। क्लियर? नेक्स्ट कंडीशन लिखी थी, वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल या कंपाउंड है जिसमें सेंट्रल एटम के पास क्या होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, और अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो वो भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर और एक्सेप्ट कर सकता है, गेन कर सकता है, कर सकता है, मतलब क्या होगा, लुईस एसिड। क्लियर? एक कंडीशन अपने लिखी थी, वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल या कंपाउंड जिसमें क्या होता है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है बेटा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो भी क्या कर सकते हैं, हमें पता है पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग से यानी पॉजिटिव का फॉर्मेशन होगा और इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, वो भी क्या होगा बेटा, यानी लुईस एसिड होगा। तो मैंने क्या कहा, कंडीशन बताई थी, उसके अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है तो वो लुईस एसिड होगा। क्लियर? नहीं कर सकता तो कभी भी उसे लुईस एसिड नहीं बोलेंगे। ओके, ठीक है। फिर बात की थी लुईस बेस, लुईस बेस क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी शो करता है, कंडीशन चाहे कैसी भी हो, अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है मतलब वो क्या होगा, लुईस बेस होगा बेटा। क्लियर? पहली कंडीशन क्या लिखी थी, ऑल एनायनिक स्पीसीज यानी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज अगर है वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है तो वो डोनेट कर सकता है, कर सकता है, मतलब वो क्या होगा, लुईस बेस होगा। क्लियर? या फिर वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल या कंपाउंड जिसमें सेंट्रल एटम पर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं बेटा, वो भी क्या करेगा, किसी अदर स्पीसीज को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर यानी लोन पेयर डोनेट कर सकता है, वो क्या होगा, लुईस बेस होगा बेटा। क्लियर? इसमें दो ही कंडीशन अपने लिखी थी। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? फिर अपने स्टार्ट किया था बेटा टाइप्स ऑफ सबस्टांस। टाइप्स ऑफ सबस्टांस की अगर अपन बात करें तो टाइप्स ऑफ सबस्टांस में अपन ने कहा था मेनली दो टाइप के सबस्टांस की अपन स्टडी करते हैं। एक होता है बेटा नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो सबस्टांस जो क्या करते हैं यानी एक्वा सॉल्यूशन में वो आयंस में डिसोसिएट नहीं होते बेटा, उन्हें बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे अपने कहा था बेटा यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, बेंजीन, इथर, एल्कोहल, ईटीसी। क्लियर? फिर अपने कहा था इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, लाइट्स का मतलब होता है बेटा ब्रेक होने वाला, इलेक्ट्रो मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, यानी वो सबस्टांस जो अपने एक्वा सॉल्यूशन में क्या होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में ब्रेक होते हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। अब हमें पता है अलग अलग सबस्टांस के आयंस में ब्रेक होने की टेंडेंसी भी क्या होती है बेटा, अलग अलग होती है, तो इसके बेसिस पे इनको अपने दो टाइप से डिवाइड किया था। एक हमने बोला था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक हमने बोला था बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिनके आयनाइज होने की, ब्रेक होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है यानी 100% आयनाइज होते हैं, उनको अपने क्या बोला था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोला था। फॉर एग्जांपल इनके जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट। क्लियर? ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट जिनके ब्रेक होने की टेंडेंसी कम होती है यानी 100% आयनाइज नहीं होते उनको हम बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, और इनके एग्जांपल अपने लिखे थे वीक एसिड, वीक बेस और वाटर। क्लियर? यहां तक अपने बात की थी और मैंने इनके कई सारे एग्जांपल्स भी बेटा लिखाए थे। एक एक चीज ध्यान रखना, एग्जांपल देख के ही उस क्वेश्चन पे आगे अप्लाई करना है किस टाइप का एग्जांपल है और कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है। क्लियर? ठीक है। फिर अपने बात की थी बेटा ओस्टवाल डाइल्यूशन लो। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, वाटर या सॉल्वेंट ऐड करना, और अपने क्या कहा था वाटर या सॉल्वेंट ऐड करेंगे इसका इफेक्ट किस पर आएगा, ओनली वीक इलेक्ट्रोलाइट पर आता है। क्यों? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अपने क्या कहा था 100% आयनाइज तो होता है लेकिन एक कैटेगरी और होती है, एक ही स्टेप में आयनाइज होता है बेटा। इसका मतलब फर्स्ट टाइम में वो जितना आयनाइज हो गया उसके बाद आप कितना भी वाटर ऐड करते जाओगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आयनाइज होने की टेंडेंसी पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो बेटा। तो क्या होगा, डाइल्यूशन का स्ट्रॉन्ग पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। वीक के लिए मैंने कहा था
वो क्या करता है 100% आयनाइज नहीं होता, और होता वो भी रो रो के आयनाइज होता है बेटा। रो रो के आयनाइज होने का मतलब क्या है, स्टेप बाय स्टेप आयनाइज होता है। इसका मतलब है कुछ अमाउंट आपने सॉल्वेंट के लिए, सपोज करो 1 लीटर वाटर लिया, उसमें 10% आयनाइज हो गया, 1 लीटर वाटर और मिलाया तो क्या हो गया 10% और हो गया, 1 लीटर और मिलाया तो क्या हो गया 10% और हो गया। कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे आप सॉल्वेंट ऐड करते जाओगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अरे इलेक्ट्रोलाइट नाम आ गया, ब्रेक तो होगा, लेकिन ब्रेक होने की टेंडेंसी क्या होती है, कम होती है, वीक नेचर होती है। इसका मतलब है अपने आप ब्रेक नहीं होगा, कोई इसे ब्रेक करने वाला चाहिए, और ब्रेक करने वाला कौन होता है, वाटर या सॉल्वेंट। वाटर या सॉल्वेंट जितना ज्यादा होगा इसके ब्रेक होने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर? तो क्या कहेंगे, मेनली डाइल्यूशन का जो इफेक्ट आता है वो किस पर आता है बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है बेटा। ठीक है, तो क्या कहेंगे, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। और अपन क्या कहेंगे, थ्योरेटिकली अपने समझा और डिराइव करके भी अपने देखा था कि डाइल्यूशन जितना ज्यादा होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए रेट ऑफ आयनाइजेशन यानी अल्फा उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर? ठीक है, फिर अपन ने बात की थी बेटा एनी फैक्टर्स अफेक्टिंग टू रेट ऑफ आयनाइजेशन। रेट ऑफ आयनाइजेशन के लिए कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड इजिली ब्रेक होते हैं बेटा, तो क्या होगा, ज्यादा आयनाइज होगा। ठीक है, कंसेंट्रेशन डायल्यूशन की बात करिए, कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो डायल्यूशन क्या होगा, कम होगा। डायल्यूशन कम होगा तो रेट ऑफ आयनाइजेशन अपने आप क्या होगा, कम होगा। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसके लिए रेट ऑफ आयनाइजेशन वीक के कंपेरिजन में ज्यादा होती है। टाइप्स ऑफ क्या, सबस्टांस और मीडियम की बात करें बेटा तो क्या कहेंगे, लाइट डिजोल्व लाइट वाला कॉन्सेप्ट बताया था, अगर पोलर है तो पोलर में, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में, मेनली बात करें लेकिन यहां पोलर के रेस्पेक्ट में बात करें तो पोलर सॉल्वेंट अगर है तो क्या होगा, वो ज्यादा आयनाइज करता है बेटा। क्लियर? ठीक है, अपना मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर होता है कॉमन आयन इफेक्ट, वो आपने डिस्कस किया था कि जब किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं कॉमन आयन वाला तो क्या करेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए रेट ऑफ आयनाइजेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है बेटा। इसका रीजन भी हमने समझा था, याद है ना, क्योंकि प्रोडक्ट साइड आयंस की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होती है, आयंस की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो ली चेटले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन कैसी होगी, बैकवर्ड शिफ्ट होगी, बैकवर्ड शिफ्ट होगी तो इलेक्ट्रोलाइट है उसका फॉर्मेशन ज्यादा होगा, डिसोसिएशन कम होगा बेटा। क्लियर? तो ये अपने बात की कॉमन आयन इफेक्ट है। फिर अपने देखा था अनकॉमन आयन या अपोजिट आयन इफेक्ट है, जैसे कॉमन आयन इफेक्ट क्या करता है बेटा, यानी रेट ऑफ आयनाइजेशन को डिक्रीज करता है, वैसे अनकॉमन आयन क्या करता है, इंक्रीज करता है। कैसे करता है, उसका अपोजिट रिजल्ट आता है बेटा। पहले जहां प्रोडक्ट साइड में कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रही थी आयंस की, अब क्या होगी, डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होगा तो उसका और ज्यादा फॉर्मेशन करने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगी, रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगी तो इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा डिसोसिएट होगा यानी आयंस में ज्यादा ब्रेक होगा तो रेट ऑफ आयनाइजेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा बेटा। क्लियर? ठीक है, फिर अपन ने बात की थी प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। वाटर की प्रॉपर्टी के बारे में अपन ने कहा था, वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 1 किलोग्राम पर लीटर, 1 ग्राम पर ml या 1000 किलोग्राम पर m³। इसके अकॉर्डिंग अपन ने बात की थी बेटा इसकी मोलर कंसेंट्रेशन कितनी आती है, 55.55 मोल पर लीटर। ओके, और कई प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, जैसे वाटर के लिए रेट ऑफ आयनाइजेशन अल्फा होता है 1.8 × 10⁻¹⁹ या फिर 1.8 × 10⁻¹⁷%। और अल्फा बहुत कम होता है 1.8 × 10⁻¹⁹। अल्फा बहुत कम होना किसका करेक्टर है, वीक का, इसीलिए वाटर को क्या माना जाता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, दूसरे को बहुत इजीली ब्रेक कर लेता है लेकिन खुद इजीली ब्रेक नहीं होता बेटा। क्लियर? फिर अपने डेराइव करके देखा था वाटर का आयनाइजेशन कांस्टेंट यानी के आयन, इसकी वैल्यू अपने पास आई थी 1.6 × 10⁻¹⁶। ठीक है, फिर अपने कहा था वाटर का आयनिक प्रोडक्ट के डब्ल्यू क्या होता है, वाटर के जो आयन्स होते हैं उनकी कंसेंट्रेशन का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, तो के डब्ल्यू इक्वल टू एच प्लस की कंसेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाई ओएच माइनस कंसेंट्रेशन, और इसकी वैल्यू आती है के डब्ल्यू इक्वल टू 10⁻¹⁴। क्लियर? ये वाटर की प्रॉपर्टी डिस्कस की थी बेटा वन बाई वन अपने। फिर अपन ने बात की थी बेटा पीएच स्केल के बारे में, पीएच स्केल के बारे में यानी पीएच के कई सारे बेसिक कॉन्सेप्ट अपने डिस्कस किए थे बेटा, कैसे करना है, क्या करना है, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस पर न्यूट्रल पीएच कितनी होती है, 7 होती है, और 90 डिग्री सेल्सियस पर न्यूट्रल पीएच कितनी आ जाती है, 6 आ जाती है। ठीक है, कैसे होता, कई सारे कॉन्सेप्ट अपन ने लिखे थे। ओके, ठीक है, फिर अपन बात कर रहे थे बेटा पीएच के बाद अपन आए थे अपने डेरिवेशन वाले पोर्शन पर, वीक एसिड वीक बेस का आयनाइजेशन। पहली बात तो वीक की स्टडी क्यों करेंगे, मैंने कहा था स्ट्रॉन्ग वाला तो वैसे भी क्या होता है 100% आयनाइज होता है तो उसकी स्टडी करने की जरूरत है क्या, नो। तो वीक एसिड के लिए अपने बात की थी, वीक एसिड एक तो ऐसा वीक एसिड जो एक एच प्लस डोनेट करे यानी मोनोबेसिक वीक एसिड, फिर
टू थ्री वाले केस है उसको क्या बोलते हैं, पॉलीबेसिक वीक एसिड, उसके केस कैसे होते हैं वो देखा था। फिर वीक बेस का आयनाइजेशन देखा, तो वो वीक बेस जो एक OH- एंड डोनेट करे वो क्या बोलेंगे, मोनो एसिडी वीक बेस, और टू थ्री में अगर OH- एंड डोनेट करता वो क्या आ जाएंगे, सभी पॉली एसिडिक वाले केस आ जाएंगे बेटा। क्लियर, तो डेरिवेशन का तरीका सेम था, मैंने एक ही चीज आपको बताई थी बेटा, क्या कि जहां एसिड के लिए अपन H+ यूज कर रहे हैं वैसे बेस के लिए क्या करेंगे OH-, एसिड के लिए pH यूज कर रहे हैं बेस के लिए क्या करेंगे pOH, एसिड के लिए Ka यूज कर रहे हो तो बेस के लिए Kb, बाकी फॉर्मूला डेरिवेशन सब कुछ क्या होगा, सेम टू सेम होगा एसिड और बेस के लिए पूरे चैप्टर में, ना कि सिर्फ आयनाइजेशन में। क्लियर है, ठीक है बेटा। फिर अपने स्टार्ट किया था बेटा सॉल्ट, सॉल्ट की बात की अपने, सॉल्ट क्या होता है, एसिड और बेस की रिएक्शन से जो कंपाउंड बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, सॉल्ट बोलते हैं। क्या कहा, एसिड और बेस की रिएक्शन से क्या बनता है, सॉल्ट। साथ में क्या होता है बेटा, वाटर का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे अपने लिया था HCl plus NaOH, HCl एसिड है या नहीं है, ये एसिड है, NaOH क्या बेटा बेस है, ठीक है। तो एसिड और बेस दो कंपाउंड की रिएक्शन का रूल क्या होता है, एक का कैटायन दूसरे का एनायन, एक का एनायन दूसरे का कैटायन, तो इसका एनायन Cl- इसका कैटायन Na+ रिएक्शन करके क्या बनाएगा NaCl, फिर इसका कैटायन H+ इसका एनायन OH- क्या बनाएगा H2O, तो यहां पर NaCl क्या है सॉल्ट और ये क्या है बेटा वाटर बन गया। क्लियर, तो क्या कहेंगे, एसिड और बेस की रिएक्शन से जो कंपाउंड बनता है उसे क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। साथ में क्या बनता है वाटर, और ये जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है इसको न्यूट्रलाइजेशन भी बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन यानी एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्शन करके न्यूट्रल करते हैं, इसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ये प्रोसेस कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है, याद रखने का तरीका मैंने क्या कहा था, इंडिया पाकिस्तान वाली कंडीशन है बेटा, एसिड और बेस जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है या नहीं है, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है, इंडिया पाकिस्तान वाली कंडीशन है, साथ में होंगे तो हर हाल में फाइट होगी, और फाइट होगी तो लॉस होगा ही होगा, और लॉस होगा एनर्जी या हीट का लॉस होना, प्रोसेस कौन सा होता है एक्सोथर्मिक। तो अपन क्या कहते हैं, सोल्ट का फॉर्मेशन कैसा प्रोसेस होता है बेटा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, तो डेलेज क्या होता है नेगेटिव होता है। क्लियर, ठीक है। अब अपन ने कहा था एसिड और बेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं और भी हो सकते हैं, जो सॉल्ट के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करे। इसका मतलब सॉल्ट फाइनली अपन कितने टाइप का बना सकते हैं बेटा, फोर टाइप का बना सकते हैं। कैसे, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। मैंने क्या कहा, एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तो ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। क्लियर, ठीक है। चाहे एसिड बेस कैसा भी हो, स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, क्लियर। तो इसके बेसिस पे फोर टाइप का सॉल्ट बना सकते हैं अपन, कैसे, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड प्लस वीक बेस। समझ में आ रहा है, पहली कंडीशन में एसिड बेस दोनों को स्ट्रॉन्ग ले, एक कंडीशन दोनों को वीक ले रहे हैं, दो टाइप के सॉल्ट हो गए। तीसरा क्या, एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस को वीक, चौथे में क्या किया, एसिड को वीक और बेस को स्ट्रॉन्ग। क्लियर, इस टाइप से फोर टाइप के सॉल्ट का फॉर्मेशन पॉसिबल है। क्लियर, लेकिन सॉल्यूशन की नेचर कैसे होगी, तो वो ध्यान रखना सॉल्ट के स्ट्रॉन्ग पार्ट से डिसाइड होता है। स्ट्रॉन्ग पार्ट का मतलब क्या है, सॉल्ट के यहां पर दो पार्ट होते हैं बेटा, कैटायन और एनायन। कैसे, Na+ और Cl-, Na+ हमें पता है दो पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। सॉल्ट के दोनों पार्ट में से एक हमेशा एसिड से आता है, दूसरा किससे आता है, बेस से आता है। अब एसिड और बेस से आने वाला पार्ट अगर स्ट्रॉन्ग वाला होता है तो वो सॉल्यूशन की नेचर को डिसाइड करेगा। कैसे, अपने फोर टाइप के सॉल्ट डिस्कस किए बेटा, एक तो अपने क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसा कोई सॉल्ट है एक क्या बन सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। एक अपन क्या बना सकते हैं बेटा, यानी वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, एक क्या बना सकते हैं अपन, वीक एसिड प्लस वीक बेस। क्लियर, फोर टाइप का सॉल्ट हो सकता है, इसमें दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो हमें पता है सॉल्यूशन की नेचर कैसी होगी, न्यूट्रल होगी। क्यों, दोनों स्ट्रॉन्ग है, दोनों पावरफुल है, मैच ड्रॉ, काम खत्म। ओके, ये स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस है तो स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक। क्लियर, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग कौन है बेटा, बेस, तो सॉल्यूशन भी कैसा होगा, बेसिक। वीक एसिड प्लस वीक बेस, दोनों ही वीक है तो क्या होगा, दोनों की पावर इक्वल है यानी मैच ड्रॉ। क्लियर, तो ये भी कैसा होगा, न्यूट्रल, या इसे ऑलमोस्ट न्यूट्रल भी बोलते हैं। मैंने ट्रिक लिखाई थी, मोर पावरफुल विल डोमिनेट, जो ज्यादा पावरफुल होगा यानी स्ट्रॉन्ग वाला होगा, सॉल्यूशन की नेचर भी वैसी ही होगी। क्लियर, ठीक है बेटा।
अब अपन बात करें बेटा टाइप्स ऑफ सॉल्ट है। सॉल्ट के टाइप मैंने बताए थे क्या, एसिडिक सॉल्ट है, यानी सॉल्ट सॉल्ट तो सॉल्ट होता है, सॉल्ट का मतलब है उसका फॉर्मेशन एसिड या बेस से हुआ, एसिड बेस की रिएक्शन से हुआ तो सॉल्ट तो है, लेकिन आगे उस सॉल्ट की प्रॉपर्टी कैसी है, नेचर कैसी है, उसके बेसिस पे उसे अलग अलग नाम दिया जाता है। कैसे, अगर कोई सॉल्ट है उसकी नेचर एसिड के अकॉर्डिंग है, एसिड का कैरेक्टर क्या होता है, एच प्लस डोनेट करना और बेस से रिएक्शन करना, कोई सॉल्ट ऐसा कर रहा है तो उसे बोल देंगे एसिडिक सॉल्ट। क्लियर है? अगर कोई सॉल्ट है बेस के अकॉर्डिंग नेचर शो कर रहा है, बेस के अकॉर्डिंग नेचर शो करने का मतलब है OH- माइनस एंड डोनेट करना या फिर एसिड से रिएक्शन करना, कोई सॉल्ट ऐसा कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, बेसिक सॉल्ट। और कोई सॉल्ट अगर कोई सा ही कैरेक्टर शो नहीं कर रहा है, यानी न तो एसिड के अकॉर्डिंग नहीं बेस के अकॉर्डिंग, तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट। क्लियर? तो ये अपने बात की थी सॉल्ट के बारे में। ओके ठीक है बेटा, फिर अपने बात की थी बेटा सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस ठीक है, सॉल्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हाइड्रोलाइसिस, नाम से पता चल रहा है, हाइड्रो मतलब वाटर, लाइसिस मतलब ब्रेक होना, मतलब क्या, वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक होना, वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक होना, इसको कौन ब्रेक करेगा, सॉल्ट ब्रेक करेगा। आप कहोगे सर कैसे, तो जब एसिड और बेस की रिएक्शन से सॉल्ट प्लस वाटर बनते हैं तो सॉल्ट की वापस अगर एसिड से रिएक्शन करवाए, सॉरी वाटर से रिएक्शन करवाए, तो एसिड और बेस अगर बने, फिर से सुनना, अगर एसिड और बेस रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करे, तो अगर सॉल्ट की वापस वाटर से रिएक्शन करवाए तो वापस एसिड और बेस बनते हैं बेटा। इसका मतलब सॉल्ट क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करता है, और इसी को बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस, वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक होना। क्लियर? अब हाइड्रोलाइसिस के लिए मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, कुछ ट्रिक्स बताई थी बेटा, ध्यान रखना। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, सॉल्ट का जो वीक पार्ट होता है वो हाइड्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट करता है। सॉल्ट के वीक पार्ट का मतलब है, मैंने कहा था सॉल्ट के दो पार्ट होते हैं, कैटायन और एनायन, एक एसिड से आएगा दूसरा बेस से आएगा, तो जो वीक एसिड या वीक बेस से आता है वही हाइड्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट करता है। क्यों करता है, मैंने रीजन बताया था क्यों, क्योंकि वो अगर वीक से आता है तो कॉन्जुगेट आयन की फॉर्म में वो स्ट्रॉन्ग का फॉर्मेशन करेगा, और स्ट्रॉन्ग का फॉर्मेशन करेगा वही वाटर के साथ रिएक्शन कर सकता है। क्लियर? तो एक मैंने कॉमन कॉन्सेप्ट बोला था बेटा, क्या, सॉल्ट का जो स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है वो सॉल्यूशन की नेचर को डिसाइड करता है, और वीक वाला हाइड्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट करता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा। क्लियर? ठीक है, मैंने एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग बताया था कैसे करना क्या करना। क्लियर? ठीक है बेटा, अब बात करें बच्चों, देखो देखो सॉल्ट की हाइड्रोलाइसिस के अकॉर्डिंग तो ठीक है, अपने फोर टाइप के सॉल्ट डिस्कस किए बेटा, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने एक एक कॉन्सेप्ट एक टेबल बना के बताए थे बेटा, और इस पे लास्ट लेक्चर में अपने क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। समझ में आया बेटा यहां तक? ओके यस ऑर नो? तो ये जो अपने बच्चों लास्ट में किया था यहां तक अपन ने थोड़ा सा मैंने रिवाइज करवाया है, ताकि आपको आइडिया हो कि कहां तक अपन ने पढ़ा था और कैसे किया था। क्लियर? अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, पीछे तक का जो हो चुका है बेटा उसे रिवाइज करना, और भी कोई डाउट हो तो मुझे कॉल मैसेज करके आप कोई दिक्कत नहीं अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। क्लियर? चलो बच्चों आगे बात करते हैं अब कंटिन्यू। चलो बेटा हेडिंग लिखो, बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन, हेडिंग बेटा बफर सॉल्यूशन। आगे कंटिन्यू करते हैं हाइड्रोलाइसिस के बाद, बफर सॉल्यूशन। लिख लिए? चलो बेटा बात करते हैं बफर सॉल्यूशन। बच्चों देखो नॉर्मल हम इंग्लिश में एक वर्ड यूज करते हैं बेटा कि रेजिस्टेंट होना, अपोज करना बेटा। क्लियर? क्या कहा, रेजिस्टेंट होना या अपोज करना, बफर का मतलब भी वही है। इसका मतलब क्या, रेजिस्टेंट होना या अपोज करना, किसका अपोज करना, पूरे चैप्टर में हम किसकी बात करते हैं, पीएच 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 पीएच, यानी पीएच में चेंज का अपोज करना। अब आप कहोगे सर कौन अपोज करेगा, क्यों करेगा, अपोज करेगा सॉल्यूशन क्यों करेगा, क्योंकि बाहर से हम इसकी पीएच को चेंज करने की ट्राई करेंगे बेटा, हम देखते हैं इसकी पीएच में चेंज करने का एफर्ट करते हैं, तो सॉल्यूशन क्या करेगा, अपनी पीएच को मेंटेन कैसे रखता है। आप कहोगे सर क्यों ये अपोज क्यों करेगा, क्या दिक्कत है, तो जैसे बायो में इकोलॉजी में अपन पढ़ते हैं बेटा होमियोस्टेसिस, कैसे, अगर एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से अगर अपने बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाए तो अपन क्या करते हैं, कई सारे बच्चों अपन क्या करते हैं, कूलर एसी या स्वेटर वगैरह हीटर वगैरह जो भी अपन यूज करते हैं बेटा सर्दी गर्मी में, अलग अलग क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, कई सारे हम ऑप्शन यूज करते हैं बेटा, वैसे ही ताकि अपना बॉडी का प्रोसेस सही से कंप्लीट हो, ज्यादा चेंजेस ना हो, ताकि एंजाइमेटिक रिएक्शन सही से कंप्लीट होती रहे। सॉल्यूशन की भी बात वही है कि अगर कोई सॉल्यूशन है, अगर क्या करेगा, उसकी पीएच में ज्यादा
ज्यादा चेंजेस हो तो वो क्या हो जाएगी, उसकी प्रॉपर्टी ही डिस्टर्ब हो जाएगी, तो वो क्या करेगा, अपनी पीएच में चेंज नहीं होने देना चाहता, यानी अपनी पीएच को मेंटेन रखने का इफर्ट करेगा हमेशा मेंटेन ही रखे कोई जरूरी नहीं है, अपनी पीएच को मेंटेन रखने की ट्राई करेगा और क्या करेगा, उसके लिए कुछ प्रोसेस अप्लाई करता है बेटा वो। क्लियर? ठीक है, तो मैंने क्या कहा, बफर का मतलब क्या होता है, अपोज करना। किस में अपोज करना, पीएच में चेंज का। हम बाहर से स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करेंगे और सॉल्यूशन क्या करेगा, यानी अपनी पीएच को मेंटेन रखने का इफर्ट करेगा। ठीक है, हम बाहर से स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करेंगे, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया है तो वो क्या करेगा, एसिडिक करेक्टर शो करेगा। एसिडिक करेक्टर शो करेगा मतलब पीएच को डिक्रीज करेगा, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया है वो क्या करेगा बेटा, बेसिक करेक्टर शो करेगा। बेसिक करेक्टर शो करेगा मतलब पीएच को इंक्रीज करेगा। अरे इंक्रीज करे चाहे डिक्रीज करे, चेंज तो कर ही देगा, लेकिन सॉल्यूशन ऐसा चाहता है क्या उसकी पीएच में चेंज हो ना बेटा। ठीक है, तो उसके लिए वो कुछ प्रोसेस अप्लाई करता है बेटा, ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन। अब बच्चे के दिमाग में, सर आपने कहा स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करने पर, स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस ऐड क्यों करेंगे सर, वीक क्यों नहीं बोला, तो मैंने क्या कहा था बेटा, हम पूरे चैप्टर में स्टडी करते हैं वीक की, और ऊपर से जो ऐड करते हैं वो स्ट्रॉन्ग ऐड करते हैं हमेशा, चाहे कोई सा भी कॉन्सेप्ट हो। क्यों? क्योंकि ऊपर से जो ऐड कर रहे हो बेटा एक्स्ट्रा, क्या करेंगे, वो भी अगर वीक ले लिया तो उसकी वजह से नेग्लिजिबल इफेक्ट आएगा और कोई ज्यादा मेजरमेंट में उसमें चेंजेस नहीं होगा। क्लियर? तो अपन स्ट्रॉन्ग ऐड करते हैं ताकि इजीली मेजर हमें कर सके जो चेंज हुआ है। क्लियर? मेन सॉल्यूशन हमेशा वीक वाला लेना है, ऊपर से ऐड करेंगे हमेशा स्ट्रॉन्ग वाला। ओके, तो क्या कहेंगे, बफर सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन जिनमें क्या करेंगे, स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करने पर। अब बच्चे के दिमाग में, सर ये क्यों बोल दिया स्मॉल अमाउंट में, बेटा अगर बाल्टी भर के मिला देंगे तो कितना का अपोज करेगा, बात समझ में आ रही है ना। ये जो अपोज कर सकता है, क्या कर सकता है, एक लिमिट तक कर सकता है। कैसे, इस मार्कर पर मैं फोर्स लगा रहा हूं बेटा तो एक लिमिट तक अपोज कर सकता है, अगर मैं बहुत ज्यादा फोर्स लगा दूंगा तो ये ब्रेक होगा नहीं होगा, होगा बेटा। वही बात है, कोई सॉल्यूशन है वो अपनी पीएच को मेंटेन रखने के लिए अपोज कर सकता है, लेकिन कब करेगा, एक लिमिट तक अपोज कर सकता है, जब आप एक लिमिट तक उसमें चेंज करने का इफर्ट करोगे, यानी एक स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करोगे, अगर ज्यादा मिला दिया तो अपोज करे ये कोई जरूरी नहीं है, उसकी पीएच में चेंज भी हो सकता है। क्लियर? ठीक है, तो क्या कहेंगे, वो सॉल्यूशन जिनमें स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करने पर क्या करते हैं, अपनी पीएच में चेंज का अपोज करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बेटा, बफर सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर? ठीक है, लिखो बेटा इसका स्टेटमेंट क्या होता है, द सॉल्यूशन विच आर रेजिस्टेंट फॉर चेंज इन पीएच बाई एडिशन ऑफ small amount of strong acid or strong base called as buffer solution। फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, सुन लेना, the solution which are resistant for change in pH by addition of a small amount of strong acid or strong base called as buffer solution। okay, चलो बेटा देखते हैं बच्चों, देखो बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो लिखो बेटा नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशंस, कितने टाइप होते हैं, लिखो बेटा टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशंस। टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशंस की बात करें बेटा तो लिखो टू टाइप्स, अपन दो टाइप के बफर सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे बेटा। नंबर वन लिखो सिंपल बफर सॉल्यूशन, सिंपल बफर सॉल्यूशन। सिंपल बफर सॉल्यूशन की बात करें बच्चों, नाम से पता चल रहा है बेटा सिंपल है, तो बेचारा सिंपल ही है। क्या कहेंगे, इस टाइप के बफर सॉल्यूशन का अगर हमें फॉर्मेशन करना है तो कैसे करेंगे बेटा, इसका फॉर्मेशन किससे होता है, वीक एसिड और वीक बेस से होता है। ओके, तो लिखो बेटा दिस टाइप बफर सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाई weak acid and weak base,
दिस टाइप बफर सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय वीक एसिड एंड वीक बेस, यानी वीक एसिड और वीक बेस से बनता है। ओके, याद रखने का तरीका इजी वे में ध्यान रखना बेटा, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, अगर ऐसा है तो क्या करेगा वो सिंपल बफर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा बेटा, सिंपल बफर सॉल्यूशन। ओके, ऐसी कंडीशन आ गई वीक एसिड और वीक बेस से। बच्चों वीक एसिड और वीक बेस देखते दिमाग में आना चाहिए, सोल्ट हाइड्रोलाइसिस की फोर्थ कंडीशन ध्यान है ना बेटा, तो इसका पीएच का फॉर्मूला भी क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। क्या उसकी पीएच का फॉर्मूला लिखा था, 7+ ½ pKa − ½ pKb बेटा, सेम टू सेम क्या आ जाएगा, वही इसकी पीएच का फॉर्मूला आ जाएगा बेटा। क्या कहेंगे, 7+ ½ pKa − ½ pKb, इस पर न्यूमेरिकल तो नहीं बनेगा लेकिन फिर भी बाय द वे कोई सीधा ऑप्शन दे रखा हो तो ध्यान रखना। ओके, इसके कुछ एग्जांपल्स अगर अपन लिखे बेटा तो क्या कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अपने क्या कहा, इसके एग्जांपल कौन कौन से होंगे, वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर बना। फॉर एग्जांपल जैसे अपन ले जैसे NH4CN, या फिर अपन लिखे जैसे NH4NO2, या फिर जैसे मैं लिखूं बेटा HCOONH4, या फिर जैसे अपन लिखे CH3COONH4। ओके ठीक है, ये कुछ इसके एग्जांपल्स है। ऐसा कोई केस दे रखा वो क्या होगा, सिंपल बफर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर, ठीक है, कंफर्म करना हो किससे बेटा तो क्या कहेंगे, मैंने क्या कहा था, जैसे एसिड और बेस रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, तो वैसे ही सॉल्ट की वापस वाटर से रिएक्शन करवा देना। अगर एसिड और बेस बन रहा है मतलब वो क्या है, हर हाल में सॉल्ट है। कैसे, इसकी वाटर से रिएक्शन करवाए तो क्या बनेगा, NH4OH और HCN कैसे बनता है, ये तो ध्यान है ना, एक का कैटायन दूसरे का एनायन, एक का एनायन दूसरे का कैटायन, NH4OH और HCN, HCN वीक एसिड, NH4OH वीक बेस। क्लियर, HNO2 और NH4OH वीक एसिड और वीक बेस, HCOOH और NH4OH वीक एसिड वीक बेस, CH3COOH और NH4OH वीक एसिड और वीक बेस। क्लियर, ठीक है, इस टाइप के बफर सॉल्यूशन के लिए एक दो पॉइंट्स ध्यान रखना बेटा, दिस टाइप बफर सॉल्यूशन नॉट सो कैपेबल, ज्यादा कैपेबल नहीं होता क्योंकि दोनों ही क्या वीक वाली कंडीशन है, तो वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। ठीक है, ठीक है, एक बात खास का ध्यान रखना, द सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन एंड एमिनो एसिड्स, क्या कहा, प्रोटीन और एमिनो एसिड का सॉल्यूशन होता है वो किसके अकॉर्डिंग बिहेव करेगा बेटा, सिंपल बफर सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग करता है। क्लियर, एक स्टेटमेंट लिख लो बेटा, द सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन एंड एमिनो एसिड्स, द सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन एंड एमिनो एसिड्स, the solution of protein and amino acids, the solution of protein and amino acids are generally behave like simple buffer solution, the solution of protein and amino acids are generally behave like simple buffer solution, the solution of protein and amino acids are generally behave like simple buffer solution, behave like simple buffer solution। क्या कहा, बात समझ में आई बेटा, क्लियर। चलो ये तो अपने बात की सिंपल बफर सॉल्यूशन, इससे ज्यादा इसमें जरूरत नहीं है, अपने लिए जो इंपॉर्टेंट है बेटा वो बात करते हैं नंबर टू लिखो बेटा, मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन, मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन, ये भी दो टाइप का होता है, टू टाइप्स, दो टाइप कौन कौन से होते हैं बेटा देखते हैं। नंबर वन, एसिडिक बफर सॉल्यूशन, क्या कहा, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, देखो मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन में दो टाइप के बफर सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे अपन, एसिडिक और बेसिक बफर सॉल्यूशन। कैसे होता है, क्या होता है, बात करते हैं एसिडिक बफर सॉल्यूशन। पहली बात तो बच्चों, एसिडिक बफर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कैसे होगा, वीक एसिड, क्या कहा, वीक एसिड, और उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ क्या होना चाहिए, सॉल्ट होना चाहिए बेटा। क्या कहा, वीक एसिड, और उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ क्या होगा, सॉल्ट होगा। अगर ऐसी कंडीशन है बेटा तो किसका फॉर्मेशन करेगा, एसिडिक बफर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा। ओके ठीक है, लिखो बेटा, फॉर्म्ड बाय वीक एसिड, फॉर्म्ड बाय वीक एसिड, फॉर्म्ड बाय वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट,
formed by weak acid and its salt with strong base. Formed by weak acid and its salt with strong base. यानी वीक एसिड और उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट होगा तो किसका फॉर्मेशन होगा? एसिडिक बफर का. क्लियर? ठीक है बेटा. और एग्जांपल मैंने कहा था ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखते ही आइडिया होना चाहिए कैसा. ऐसा कोई भी एग्जांपल है जो वीक एसिड और उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट से बना है वो किसका एग्जाम्पल होगा? एसिडिक बफर का होगा. कैसे बेटा? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ये लिखूं HCN, HCN plus NaCN, weak acid और weak acid कौन है? HCN, उसी weak acid का strong base, यानी NaOH के साथ salt है या नहीं है? है तो ये किसका formation करेगा? Acidic buffer solution. या फिर जैसे अपन लिखे बेटा जैसे HCOOH plus क्या करेंगे अपन? HCOONa, formic acid, weak acid है, उसी weak acid का strong base NaOH के साथ salt है. या फिर जैसे अपन लिख दे बेटा CH3COOH plus क्या लिखेंगे? CH3COONa. क्लियर? या फिर जैसे अपन लिखे बेटा HNO2 प्लस अपन क्या लिख दें? NaNO2. क्लियर? ठीक है. या फिर जैसे अपन लिखे H2S प्लस अपन क्या लिख दें? Na2S. या फिर जैसे अपन लिख दें H2CO3 प्लस अपन लिख दें NaHCO3. इसको ध्यान रखना, इसको बोलते हैं बेटा ब्लड बफर. ध्यान रखना जब आप जूलॉजी में बेटा प्लांट ह्यूमन फिजियोलॉजी में बात करते हैं बेटा, ह्यूमन फिजियोलॉजी में आता है ना कार्बोनिक एसिड वाला CO2 के प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, यानी H2CO3 और यानी HCO3- बेटा यही मिक्सर होता है, ब्लड बफर बोलते हैं इसे. या फिर जैसे अपन बोल दें जैसे H3PO4, ठीक है, H3PO4 प्लस अपन बोल दें जैसे Na3PO4, ठीक है. और ये तो पूछा भी है AIPMT 2016 में H3PO4 plus Na3PO4. क्लियर? ठीक है. इस टाइप से अपन देख सकते हैं क्या वीक एसिड और उसी वीक एसिड का अगर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सोल्ट है तो वो क्या करेगा? एसिडिक बफर का फॉर्मेशन करेगा बेटा. क्लियर? ठीक है. ये तो नॉर्मल सी कंडीशन है बेटा, हर कोई टीचर बताता भी है नॉर्मली. ध्यान रखना कैसे करना है, क्या करना. लेकिन अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको जानबूझ के एग्जाम्पल्स देगा और गलती भी करवाएगा, वो कैसे करना बेटा, वो ध्यान रखना. ये तो नोट कर लिए ना. चलो एक स्टेटमेंट लिखो बेटा जो खासकर हमें ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लिखो following species are also behave like acidic buffer solution. Following species are also behave like acidic buffer solution, but common ion not should be present. Following species are also behave like acidic buffer solution, but common ion node should be present. ठीक है? एरो का साइन लगाओ बेटा. इसमें पहली कंडीशन क्या होती है? मैंने क्या कहा? कुछ स्पीशीज और होती है जो एसिडिक बफर सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग बिहेव करेंगे, लेकिन कॉमन आयन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए. कैसे बेटा? ठीक है, पहली कंडीशन क्या? अगर आपको ये दे दें वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस. क्या कहा? वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, बट वीक एसिड के जो इक्विवेलेंट है शुड बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए बेटा. मैंने क्या कहा? वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस. वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस अगर है, लेकिन उस वीक एसिड के इक्विवेलेंट क्या होने चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेस से ज्यादा होने चाहिए. आप कहोगे सर कैसे? फॉर एग्जाम्पल जैसे वीक एसिड ये दे दिया HCN प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, मैंने साथ में ये दे दिया NaOH. क्लियर बच्चों? देखो HCN तो है, अब देखो अगर इन दोनों की रिएक्शन की अगर बात करें तो इन दोनों की रिएक्शन से क्या बन सकता है? NaCN. ओके, NaCN है. तो देखो अगर HCN वीक एसिड अगर एक्सिस में है, अरे इसके इक्विवेलेंट ज्यादा होना यानी HCN NaOH के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो ये ER की फॉर्म में रिमेनिंग रहेगा नहीं रहेगा? ये कम है तो ये तो जीरो हो जाएगा बेटा. LR है, पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा. ये कुछ ना कुछ रिमेनिंग होगा, नहीं होगा? होगा. ये कुछ रिमेनिंग होगा, तो रिमेनिंग होगा तो HCN बचेगा दोनों की रिएक्शन होने के बाद भी, क्योंकि ये ज्यादा अमाउंट में है. और इन दोनों की रिएक्शन से क्या बन जाएगा? NaCN.
एन ठीक है तो क्या कहेंगे एच सी एन प्लस ए एन ए सी एन, फाइनली इनका मिक्सर हमें मिलेगा बेटा। और ये दोनों का अगर मिक्सर है तो एच सी एन प्लस एन ए सी एन, ये तो हमें पता ही है एसिडिक बफर का टाइप होता ही है, क्लियर ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है बेटा, सॉल्ट प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या कहा सॉल्ट प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर से बात वही आ रही है, बट इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट शुड बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, क्लियर। एग्जांपल से समझना है, रटने की जरूरत नहीं है बेटा, सॉल्ट जैसे अपने ये लिया है NaCN प्लस मैंने बोल दिया स्ट्रॉन्ग एसिड बोला है तो HCl, क्लियर। कैसे अगर हम बात करें देखो इन दोनों की रिएक्शन से, इसका CN माइनस इसका H प्लस क्या करेगा HCN का फॉर्मेशन करेगा या नहीं करेगा, करेगा बच्चों। तो देखो HCN तो बन ही जाएगा इन दोनों की रिएक्शन से, प्लस साथ में हमें पता अगर HCl के कंपैरिजन में HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है NaCN सॉल्ट है या नहीं है, है। अगर NaCN की अमाउंट HCl के कंपैरिजन में ज्यादा है तो हमें पता है दोनों की रिएक्शन होने के बाद ये अगर ज्यादा अमाउंट में है तो ये रिमेनिंग होगा नहीं होगा, कुछ ना कुछ बचेगा, तो अगर बचेगा तो इसका मतलब सॉल्यूशन में ये भी प्रेजेंट है तो क्या होगा दोनों की रिएक्शन से HCN तो बन ही जाएगा HCN प्लस NaCN, और HCN प्लस NaCN देख सकते हो वीक एसिड, उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट, और हमें पता है ऐसी कंडीशन है तो एसिडिक बफर का फॉर्मेशन होगा नहीं होगा, होगा बेटा, क्लियर ठीक है। तो ध्यान रखना आपको ऑप्शन देखे गलती करवा देगा, पहली कंडीशन तो सबसे कॉमन कंडीशन है ये, तो हर कोई बताता है कि वीक एसिड उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट होगा वो एसिडिक बफर बनेगा, लेकिन आपको स्टैंडर्ड एग्जांपल देके कैसे गलती करवाएगा, दिमाग में सेट क्या रखना है बेटा, क्या वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, मैंने क्या कहा वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस एंड सॉल्ट प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, और पहले जो हमने लिखा है उसके इक्विवेलेंट ज्यादा होने चाहिए, ओके। अगर पहले वाले के इक्विवेलेंट ज्यादा नहीं है तो बफर का फॉर्मेशन नहीं करेगा, क्लियर। क्यों नहीं करेगा मैंने रीजन बताया इसका, क्लियर। और एक बात ध्यान रखना, एग्जामिनर अगर उल्टा लिख के उल्टा लिख दे बेटा, इसको पहले लिख दे तो रटना ये नहीं है, सर ने कहा था पहले जो लिखा था उसके इक्विवेलेंट ज्यादा होने चाहिए, हमने जो लिखा है पहले उसके इक्विवेलेंट ज्यादा होने चाहिए, तो दिमाग में सीक्वेंस यही सेट रखना वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, क्लियर। ऐसी कंडीशन है तो वो भी क्या करेगा एसिडिक बफर का फॉर्मेशन कर सकता है, बस पहले वाले के इक्विवेलेंट क्या होने चाहिए बेटा ज्यादा होने चाहिए, समझ में आया कैसे किया, यस और नो, क्लियर ठीक है। चलो बेटा ये तो अपने बात की बेटा थ्योरेटिकल बात की, जैसे एसिडिक बफर का मतलब क्या होता है, इसके एग्जांपल्स कौन कौन होते हैं, और सीधा टिक लगाने वाला ऑप्शन हमें पूछे कि कौन सा एसिडिक बफर का फॉर्मेशन करेगा कौन सा नहीं करेगा, क्लियर ठीक है। अब बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए, इसकी इक्वेशन डेराइव करते हैं बेटा, फिर देखते हैं कैसे इसकी इक्वेशन कैसे होती है और वो क्वेश्चन में हमें कैसे अप्लाई करनी है, ओके। लिखो बेटा हेडिंग लिखो पीएच of acidic buffer solution, acidic buffer solution की pH की अगर हम बात करें तो कैसे करना, समझना बच्चों अच्छे से। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन बात करते हैं बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं एज ए रेफरेंस, इसके अकॉर्डिंग हमें पीएच की इक्वेशन बना सके। तो अपन ने क्या कहा जैसे HCN प्लस NaCN, अरे मेन कंडीशन क्या है वीक एसिड, उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ क्या होना सॉल्ट होना, ओके। तो ये अपने एग्जाम्पल ले लिया जैसे HCN प्लस NaCN, ओके ठीक है। अब इसकी रिएक्शन लिखते हैं बेटा अपन कैसे, जैसे HCN है HCN है वीक है बेटा, तो इसके लिए बाई डायरेक्शनल एरो यूज करते नहीं करते, करते हैं तो मैं क्या कहूंगा जैसे H प्लस और साथ में क्या बनाएगा ये CN माइनस, क्लियर ठीक है। साथ में इसके कौन है NaCN, तो पैरेलल में मैं इसकी भी रिएक्शन लिख रहा हूँ। आप कहोगे सर ये सिंगल एरो क्यों लगाया है, क्योंकि हमें पता है NaCN क्या है सॉल्ट और सॉल्ट क्या होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जिसके ब्रेक होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है फॉर्मेशन की टेंडेंसी कम होती है, तो वो ओनली प्रोडक्ट साइड में जाएगा बेटा, तो क्या लिखेंगे Na प्लस और CNa माइनस, क्लियर ठीक है बेटा। बात करें अगर स्टार्टिंग में ये C हो तो ये कितना होगा जीरो, और जीरो अब हमें पता है वीक वाला है तो 100% तो आयनाइज होगा नहीं, कुछ परसेंट हो जाए, अगर X ब्रेक हो जाए सपोज करो तो क्या बच गया C माइनस X, क्लियर। ये कितना बनेगा बेटा X और ये कितना बनेगा X, कैसे बनता है पीछे काफी डिटेल से अपने पढ़ा है याद है ना ठीक है। सोल्ट की इनिशियल कंसेंट्रेशन में क्या मान रहा हूँ,
वाई, तो ये स्टार्टिंग में क्या होगा, जीरो और जीरो। अब हमें पता है सॉल्ट अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो 100% आयनाइज होता है, पूरा का पूरा ब्रेक हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में अगर वाई था तो अब कितना बचेगा, जीरो। अगर पूरा पूरा ब्रेक हो जाएगा तो ये भी कितना बनेगा, वाई और वाई। क्लियर। अब दोनों रिएक्शन में कोई कॉमन आयन है क्या, सेम आयन है क्या, हैव अ चोक ऑन CN माइनस और CN माइनस। तो क्या करेंगे, यहां CN माइनस की कंसंट्रेशन कितनी है X, यहां पर CN माइनस की कंसंट्रेशन कितनी है बेटा Y, तो X में Y ऐड करेंगे या Y में X ऐड करेंगे, X में Y ऐड करेंगे। याद है ना, वीक में स्ट्रॉन्ग वाली अमाउंट को ऐड करते हैं, याद है ना। क्या कहा, मेन सॉल्यूशन हमेशा कौन सा होगा, वीक वाला होगा। फिर इस बात को दिमाग में सेट कर लेना बेटा, फिर से बोल रहा हूं, मेन सॉल्यूशन हमेशा कौन सा होता है, वीक वाला। स्ट्रॉन्ग से तो हम क्या करते हैं, आने वाली अमाउंट या कंसंट्रेशन को ऐड करते हैं वीक के अंदर। क्लियर। तो यहां पर वीक वाला मेन सॉल्यूशन है, इसमें CN माइनस कितना है X, वो कितना है Y, तो अपन क्या लिखेंगे, X प्लस Y। क्लियर। अब हमें पता है कॉमन आयन इफेक्ट में जो कॉमन आयन होता है उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट कितनी होती है बेटा, जो स्ट्रॉन्ग से आने वाली कंसंट्रेशन होती है, याद है ना, क्योंकि ये CN माइनस वीक से आ रहा है, इससे आ रहा है, वीक हमें पता है नेग्लिजिबल डिसोसिएट होता है, तो उससे आने वाली कंसंट्रेशन भी नेग्लिजिबल होगी। जब ये नेग्लिजिबल डिसोसिएट होगा तो इससे बनने वाले आयन की कंसंट्रेशन भी क्या होगी, नेग्लिजिबल होगी। क्लियर। जबकि स्ट्रॉन्ग क्या होता है, 100% आयनाइज होता है, तो उससे बनने वाले आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी। इसका मतलब यहां जो कॉमन आयन है दोनों रिएक्शन में सेम है, वो कौन है, CN माइनस। यहां इसकी कंसंट्रेशन x है, यहां कितनी है y, और इन दोनों का सम ऑलमोस्ट क्या होगा, y के इक्वल ही होगा। क्लियर। ठीक है बेटा, तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं बेटा, तो इसके लिए कांस्टेंट लिखिए Ka, हमें पता है वीक वाला मेन इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसके लिए लिखिए Ka कांस्टेंट। मैंने क्या कहा था, कांस्टेंट होता है हमेशा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट कौन है बेटा, H प्लस, यानी H प्लस की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई क्या करेंगे, CN माइनस की कंसंट्रेशन अपॉन क्या करेंगे, किसकी कंसंट्रेशन, HCN की कंसंट्रेशन। और ये अपन ने क्यों लिखा है Ka, क्योंकि एसिड है तो एसिड का कांस्टेंट, Ka मतलब कांस्टेंट, A फॉर एसिड। क्लियर। ठीक है बेटा, लेकिन खास का ध्यान रखना, यहां पर ये तो ठीक है CN माइनस कॉन्जुगेट आयन है, लेकिन हमें क्वेश्चन में जो डाटा देगा वो जानबूझ के क्या देगा बेटा, सॉल्ट की फॉर्म में देगा। ओके, यानी यहां पर आयन को हटाकर मैं क्या लिख रहा हूं, सॉल्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लेकिन डायरेक्टली नहीं रखना है बेटा, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग करना है। कैसे, यानी ये जो CN माइनस यहां पर है इसकी कंसेंट्रेशन ऑलमोस्ट कितनी है Y, ये Y किसकी कंसेंट्रेशन है, इस CN माइनस की, और ये CN माइनस की कंसेंट्रेशन किसकी वजह से आई है, इस NaCN की। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, सुन लेना इस बात को अच्छे से, बेटा रिपीट कर रहा हूं, ये जो हमें पता है कॉमन आयन है CN माइनस, इसकी कंसेंट्रेशन ऑलमोस्ट कितनी है Y, और ये Y किसकी कंसेंट्रेशन है, इस सॉल्ट की ही कंसेंट्रेशन है। इसका मतलब मैं स्टेटमेंट क्या बोल सकता हूं, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, द कंसेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। यस और नो, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से जो कॉमन आयन होगा उसकी कंसेंट्रेशन सॉल्ट की कंसेंट्रेशन के इक्वल आती है। क्लियर। यहाँ पे दो लाइन लिखाऊंगा बेटा ये, ठीक है। चलो बेटा देखो, तो क्या कर सकते हैं, इसको आगे अपन चेंज करें तो क्या लिखेंगे, के ए, के इज इक्वल टू एच प्लस ऐसा कैसा, H प्लस मल्टीप्लाई बाई कंसेंट्रेशन ऑफ CN माइनस की जगह क्या लिखूंगा मैं, NaCN, और ये कैसे लिखा है ध्यान है ना, NaCN अपॉन क्या बच गया, कंसेंट्रेशन ऑफ HCN। ओके, ठीक है। अब बच्चों देखो, ये अपनी इक्वेशन आ गई, पर जरूरी है कि हमें हर एग्जांपल, हर क्वेश्चन में HCN और NaCN का ही एग्जांपल दे, हमें और कोई भी एग्जांपल दे सकता है, लेकिन एक बात तो श्योर है बेटा, एसिड और सॉल्ट का चाहे हमें कोई सा भी एग्जांपल दे रखा हो, एसिड अगर है तो हमेशा यहीं पर आएगा, सॉल्ट है तो हमेशा यहीं पर आएगा। तो इसको कन्वर्ट करके मैं क्या लिख सकता हूँ, के इज इक्वल टू क्या हो गया, एच प्लस की कंसेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाई NaCN की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, HCN की जगह क्या लिख रहा हूँ, कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड, ताकि जो भी हमें एसिड दे रखा है एसिड की जगह एसिड की वैल्यू पुट कर सकते हैं, सॉल्ट की जगह सॉल्ट की वैल्यू पुट कर सकते हैं बेटा। क्लियर, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी कहा था, घूम फिर के हमारा पर्पज क्या होता है, अगर एसिड है तो पीएच की इक्वेशन तक जाना, और अगर बेस है तो पीओएच की इक्वेशन तक जाना, या हम किसकी बात कर रहे हैं, एसिडिक बफर सॉल्यूशन की, यानी किसकी इक्वेशन डिराइव करेंगे, पीएच की इक्वेशन डिराइव करेंगे। वो कैसे करेंगे, अगर हमारे पास एच प्लस की कंसंट्रेशन आ जाए तो पीएच आ सकती, नहीं आ सकती, आ सकती है बेटा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस इसको क्या हो जाएगा,
कि ए मल्टीप्लाई बाय इस एसिड की कंसंट्रेशन को इससे मल्टीप्लाई करूं तो क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्ट। ठीक है, ये मेरे पास एस प्लस की कंसंट्रेशन आ गई, ब्लॉक कर रहा हूं बेटा। अगर डायरेक्टली एस प्लस की कंसंट्रेशन पूछे तो ऐसे करेंगे, क्लियर। और जब मेरे पास एस प्लस की कंसंट्रेशन आ गई तो अपन को पीएच कैलकुलेट करने से कोई रोक सकता है क्या? नहीं बेटा। मैंने क्या कहा था, पीएच का सबसे छोटा और सबसे मोटा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद है ना, एस प्लस की कंसंट्रेशन आ जाए तो पीएच कैलकुलेट करने का अपने पास रामबाण फॉर्मूला है। क्या pH इक्वल टू क्या होता है बेटा, माइनस लॉग ऑफ ए एच प्लस कंसंट्रेशन। बस इसकी हेल्प से अपने पास क्या आ सकती है, pH की वैल्यू आ सकती है। कैसे, तो pH इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस की जगह क्या लिखेंगे, के ए मल्टीप्लाई बाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन में क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्ट। क्लियर, ठीक है। माइनस को बाद में देख लेंगे, पहले लॉग को अगर सॉल्व करें बेटा तो क्या लिखेंगे, माइनस लॉग क्या हो गया, के ए मल्टीप्लाई है तो लॉग के रूल के अकॉर्डिंग प्लस होगा या नहीं होगा, याद है ना, लॉग एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, तो क्या करते हैं लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, तो मल्टीप्लाई है तो यहां पर प्लस आए तो क्या करेंगे, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्ट। समझ में आया बच्चों, क्लियर, यहां तक बात ठीक है। अब यहां से अपन क्या कहेंगे बेटा, इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या लिखेंगे, माइनस लॉग के ए, और ये माइनस हो जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्ट। बात समझ में आई क्या, क्लियर, ठीक है बेटा। यहां तो बच्चों नोट कर लिया होगा, ये मिटा रहा हूं। यहां तक तो कर लिया ना नोट, चलो बेटा देखो आगे इस इक्वेशन को कंप्लीट करते हैं। कैसे, तो अपन बात करें बच्चों, देखो अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई, माइनस लॉग के माइनस लॉग एसिड अपॉन सॉल्ट। ओके, तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं बेटा, बच्चों देखो माइनस लॉग है, माइनस लॉग हमें पता है, माइनस लॉग किसके इक्वल होता है बेटा, पी, याद है ना, अरे पी हमेशा पीछे, पीछे किसका, लॉग का अपोजिट यानी एंटी लॉग, माइनस लॉग क्या होता है बेटा, पी। तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं, फाइनली अपने पास क्या आ जाएगा, pH equal to, इस minus log की जगह क्या लिखूंगा, P, आगे क्या है, Ka, यानी क्या हो गया ये, pKa, और इस minus को अगर हम plus कर दे, क्या कहा, इस minus को plus कर दे, तो क्या हो जाएगा, log, minus log x upon y equal to क्या होता है, log y upon x, याद है ना, log के साथ अगर साइन चेंज कर दे तो log के साथ वाली वैल्यू क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है, x upon y से y upon x हो जाएगी। तो अपन क्या लिखेंगे, प्लस log क्या हो जाएगा बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। समझ में आया क्या कहा, यस ओ नो, क्लियर, ठीक है। ये अपने पास फाइनल पीएच की इक्वेशन आ गई, और इसको बोला जाता है बेटा हेंडरसन इक्वेशन। क्या कहा, हेंडरसन इक्वेशन, क्लियर, एसिडिक बफर के लिए हेंडरसन इक्वेशन होती है। ओके, ठीक है। पहली बात बच्चों देखो, बच्चा इसमें गलती क्या करता है, ध्यान रखना, बच्चे को जो भी वैल्यू दी जाए बच्चा डायरेक्टली वैल्यू पुट करे और हमेशा आंसर सही आए कोई जरूरी नहीं है। खासकर याद रखना बेटा, इसमें जो एसिड की कंसंट्रेशन यूज करनी है वो कौन सी करनी है, वीक एसिड की कंसंट्रेशन यूज करनी है। मैंने क्या कहा, जो एसिड की कंसंट्रेशन यूज करेंगे वो कौन सी होनी चाहिए, वीक वाली होनी चाहिए। ओके, और ये जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वो कौन सी होनी चाहिए, उसी वीक एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जो सॉल्ट बनेगा उसकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए। इस बात को जरूर मेंशन कर लेना, ऐसा नहीं आपको स्ट्रॉन्ग एसिड दे रखा और देगा, ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड दे रखा डायरेक्टली उसकी वैल्यू अप्लाई कर दी। यहां जो एसिड की कंसंट्रेशन है कौन सी, वीक एसिड की होनी चाहिए, और ऊपर जो सॉल्ट अपन यूज करें वो कौन सा होना चाहिए, उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट होगा उसकी कंसंट्रेशन यूज करते हैं, क्लियर, ठीक है। और यहां पर एक चीज और ध्यान रखना, कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट आयन, कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट आयन यानी जो कॉन्जुगेट आयन है उसकी कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होती है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्ट। तो अगर बाय द वे ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है जिसमें सॉल्ट की जगह आपको क्या दे रखा है, कॉन्जुगेट आयन दे रखा है, तो क्या करते हैं, उसको भी अप्लाई कर सकते हैं बेटा। समझ में आया यहां तक, यस ओ नो, ठीक है, नोट करो बेटा फटाफट, जल्दी नोट करो।
बिलीव डर नॉट, ठीक है। चलो बच्चों देखो, ये जो अपने पास हेंडरसन इक्वेशन आई है बेटा, इसमें एक दो कंडीशंस हमें ध्यान रखनी है बेटा, जो हमारे काम आएगी, ठीक है। कैसे, देखो दो तीन कंडीशंस है जो हमसे गलतियां करवा सकता है। कैसे करवाना, इक्वेशन को मैंने मिटाया नहीं है, इसको मैंने ऐसा कैसे लिखा है, कैसे, इसी के अकॉर्डिंग देखो कैसे डेराइव करते हैं। पहली कंडीशन क्या दे सकता है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। पहली कंडीशन क्या है, अगर सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या हो, एसिड की कंसंट्रेशन के इक्वल दे रखी हो, तो क्या करते हैं बच्चों, देखो अपनी इक्वेशन क्या आएगी, पीएच इक्वल टू पीकेए प्लस लॉग एसिड की कंसंट्रेशन क्या मानूं, अगर एक्स मानूं तो सॉल्ट भी कितना होगा, एक्स होगा बेटा, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाए तो क्या लिखेंगे, पीकेए प्लस क्या हो गया, लॉग वन, और लॉग वन कितना होता है बेटा, जीरो, लॉग वन क्या होता है, जीरो। तो फाइनली अपने पास क्या आ गया, पीएच इक्वल टू क्या आ गया, पीएच अपने पास आ गया पीएच इक्वल टू पीकेए, क्या कहा, पीएच इक्वल टू पीकेए, और इसको बोलते हैं मैक्सिमम बफर कैपेसिटी। क्या कहा बेटा, ये कौन सी कंडीशन होती है, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी की कंडीशन होती है। आप कहोगे सर कैसे, तो ध्यान रखना बेटा, पहली बात तो देखो यहां जो पीएच की वैल्यू आ रही है वो कैसे आ रही है, एसिड का जो कांस्टेंट होगा, एसिड का कांस्टेंट होगा, उससे पी की जो वैल्यू आएगी, पी के की वैल्यू आएगी, उसके एग्जैक्ट इक्वल आ रही है। मैंने क्या कहा, जैसे अगर के ए एसिड का कांस्टेंट अगर 10^-5 है तो पी के कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका मतलब पीएच की वैल्यू किससे आ रही है, एसिड का जो कांस्टेंट दे रखा था डायरेक्टली उसके इक्वली आ रही है, 10^-5 से पी के कितना आ गया, 5, तो वही पीएच की वैल्यू आ गई। इसमें कुछ प्लस माइनस हुआ क्या, नहीं, जबकि हमें पता है देखो जो कांस्टेंट दे रखा है उससे प्लस माइनस कब होता है, यानी उससे कम या ज्यादा वैल्यू कब आती है, जब ये दोनों वैल्यू अनइक्वल होती, या तो ये ग्रेटर होता या ये ग्रेटर होता, तो साथ में प्लस माइनस में कुछ जरूर आता, और प्लस माइनस में कुछ जरूर आता तो हमें पता या तो इसमें ऐड होता या फिर माइनस होता, तो पीएच की वैल्यू इससे कम या ज्यादा आती। लेकिन अब हमें पता है जो पीएच की वैल्यू क्या आएगी, एग्जैक्ट पीके के बराबर आएगी, पीके के बराबर आएगी, और पीके की वैल्यू क्या, कॉन्स्टेंट के बराबर, कॉन्स्टेंट तो कॉन्स्टेंट है, उसकी वैल्यू फिक्स है या नहीं है, है बेटा। इसका मतलब जो कांस्टेंट होता है एग्जैक्ट उसकी वैल्यू से जो पीएच आएगी वो फिक्स वैल्यू आएगी। इसका मतलब पीएच की वैल्यू फिक्स है या नहीं है, और पीएच की वैल्यू फिक्स होना यानी पीएच में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है क्या, नो, पीएच में चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब अपोज मैक्सिमम है, बहुत ज्यादा अपोज हो रहा है तभी तो चेंज नहीं हो रहा, और बहुत ज्यादा अपोज होना, पीएच में चेंज का अपोज होना, इसी को तो बोलते हैं बफर, यानी चेंज की अपोज की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है तो मैक्सिमम बफर कैपेसिटी। क्या कर रहा हूं, समझ में आ रहा है बेटा। इसका मतलब जो कांस्टेंट होगा एग्जैक्ट उसकी वैल्यू के इक्वल ही क्या होगा, पीएच की वैल्यू आएगी, कांस्टेंट की वैल्यू तो फिक्स रहेगी, तो कांस्टेंट की जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग पीके आएगा, उसी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, पीएच की वैल्यू आएगी, तो क्या होगा, यानी एक फिक्स वैल्यू आएगी, फिक्स वैल्यू आएगी। इसका मतलब उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, और जब कोई चेंज नहीं होता तो हमें पता है अपोज मैक्सिमम है, यानी बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होगी। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। एक कंडीशन हमें क्या दे सकता है बेटा, इफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट is equal to 10 multiply concentration of acid। क्या कहा, सोल्ट की कंसंट्रेशन क्या है, एसिड की कंसंट्रेशन का कितना है, 10 टाइम है। तो देखो बेटा अपनी इक्वेशन को कैसे डेराइव कर सकते हैं, पीएच इज इक्वल टू क्या हो गया, पीके प्लस लॉग एसिड की कंसंट्रेशन को अगर मैं एक्स मानूं तो सोल्ट वाला कितना हो गया, 10x। बात समझ में आ रही है बच्चों, एक्स से अगर मैं एक्स काट दूं तो क्या बच गया अपने पास, पीके, पीके प्लस क्या हो गया, लॉग 10, और लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1। तो फाइनली मेरे पास क्या आ गया, पीएच, पीएच इक्वल टू क्या आ गया, पीके प्लस 1 आ गया। समझ में आया, यस और नो, क्लियर, ठीक है। एक कंडीशन मेरे पास क्या आ सकती है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, इफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज इक्वल टू 10 टाइम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। क्या कहा, एसिड की कंसंट्रेशन क्या हो, सॉल्ट की कंसंट्रेशन की कितनी हो, 10 टाइम हो। तो देखते हैं बेटा इससे क्या चेंज होगा, देखो बच्चों पीएच, पीएच इज इक्वल टू क्या होगा, पीकेए प्लस लॉग, ऐसा कैसा, ये तो अपनी मेन इक्वेशन है। अब क्या करेंगे, अगर
अगर सॉल्ट की कंसेंट्रेशन को x मानूं तो एसिड वाली कितनी होगी? अरे 10x होगी या नहीं होगी, यस और नो? मैंने क्या कहा, अगर सॉल्ट वाली x है तो एसिड वाली क्या 10x होगी। x से अपन x को उड़ा दे तो क्या बच गया बच्चों, pKa, pKa प्लस क्या हो गया log 1/10, क्लियर। और अगर log के साथ वाली वैल्यू को मैं इनवर्स कर दूं तो साइन चेंज होगा या नहीं होगा, तो माइनस log 10, और log 10 हमें पता है कितना होता है, 1 होता है, तो क्या लिखेंगे, pH इज इक्वल टू क्या हो गया, pKa माइनस 1। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर सॉल्ट वाली कंसेंट्रेशन 10 टाइम हो एसिड की तो pKa प्लस 1, और अगर एसिड वाली कंसेंट्रेशन 10 टाइम हो तो pKa माइनस 1। और इसको बोला जाता है बेटा pH रेंज, इस पे न्यूमेरिकल बनता है, क्वेश्चन बनता है, pKa रेंज क्या होगी बेटा, pKa प्लस माइनस 1 होगा, ठीक है। क्या कहा, pH की रेंज क्या आती है, pKa की जो वैल्यू हो उसमें प्लस माइनस 1 करने पर। आपको कहोगे सर कैसे, तो पहली बात तो बच्चों ध्यान रखना, रेंज का मतलब क्या होता है, नॉर्मली जैसे अपन मार्केट में कई बार क्या शॉपिंग करते हैं, अपन क्या कहते हैं कि जैसे 1500 के बीच का कोई आइटम दिखाओ, माल दिखाओ बेटा, तो अपन क्या कहेंगे, अपने 1500 रेंज बोल दिए, इसका मतलब 500 या 1000, यानी मिनिमम 500 या मैक्सिमम 1000, इतनी कॉस्ट का हमें माल जो प्रोडक्ट चाहिए, इसका मतलब क्या कहेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमने बता दी। रेंज का मतलब भी क्या होता है, मिनिमम से मैक्सिमम तक, यानी मिनिमम और मैक्सिमम दो वैल्यू आपने बता दी। पीएच की रेंज भी यही आती है, यानी पीके की जो वैल्यू है या तो उसमें माइनस वन के इक्वल या उसमें प्लस वन के इक्वल होगा, इससे कम या ज्यादा नहीं होगा। और बच्चे के दिमाग में सर अगर ये मान लो सॉल्ट की कंसेंट्रेशन अगर 100 टाइम होती तो प्लस में 2 आता, और अगर एसिड वाली 200 टाइम्स होती तो क्या आता, माइनस 2 आता, या फिर सॉल्ट वाली कंसेंट्रेशन 1000 टाइम होती तो क्या आता, लॉग 1000 कितना होता है 3, तो प्लस में 3, ये 1000 टाइम होता तो माइनस 3। तो सर पीके के साथ प्लस 2 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 3 भी आ सकता है, आ सकता, लेकिन कब है? जब या तो ये 1000 टाइम हो, ये 1000 टाइम हो, या 100 टाइम हो, 100 टाइम हो। अगर इतना ज्यादा डिफरेंस आ गया एसिड और सॉल्ट की कंसेंट्रेशन में तो वो कभी भी एज ए बफर सॉल्यूशन बिहेव नहीं करेगा। बात समझ में आई बच्चों, तो ध्यान रखना जब वो बफर सॉल्यूशन के फॉर्म में बिहेव ही नहीं करेगा तो अपन बफर कैपेसिटी वगैरह कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्लियर। तो क्या कहेंगे, मैक्सिमम डिफरेंस कितना आ सकता है, या तो ये 10 टाइम या फिर ये 10 टाइम। समझ में आ गया, क्लियर, यस और नो? ठीक है बेटा, नोट करो बच्चों, नोट करो फटाफट। नोट, चलो बेटा ये तो अपने बात की है अपने एसिडिक बफर सॉल्यूशन की, कैसे करना है, क्या करना है, ओके। अब बच्चों आपको याद है जैसे चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने कहा था एसिड और बेस, इनको समझना एकदम इजी है। कैसे, एसिड को अच्छे से समझेंगे और उसी के पैरेलल में क्या करना बेटा, बेस को याद रखना है कि बेसिक्स ऐसा होगा, बेस का सॉल्यूशन कैसे करना, क्या करना, बस दो तीन चेंजेस आएंगे। क्या, जहां एच प्लस की बात कर रहे थे अब बेस में क्या करना है, OH माइनस लिखना है, जहां पर एसिड में आपने पीएच लिखा था वहां पर क्या लिखना है, POH, और जहां पर K यूज किया था कॉन्स्टेंट एसिड का, अब आपको क्या करना है बेटा, यानी KB यूज करना है, क्लियर। तो उसी से कंपेयर करते हुए हम बेस की बात कर सकते हैं, क्लियर। चलो, तो मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन में अपने कहा था मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन दो टाइप का होता है, एसिडिक और पहला लिखा था एसिडिक बफर सॉल्यूशन, दूसरा लिखेंगे बेटा बेसिक बफर सॉल्यूशन। लिखो बेसिक बफर सॉल्यूशन, ठीक है, बेसिक बफर सॉल्यूशन। बेसिक बफर सॉल्यूशन के लिए अगर कहे बेटा देखो कंपैरिजन से याद रखो, इजी रहेगा। कैसे, एसिडिक बफर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कैसे होता है, वीक एसिड और उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट। मैंने क्या कहा था, एसिडिक बफर कैसे होता है, वीक एसिड होता है और उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट। इसमें उल्टा कर दो बेटा, कैसे, वीक बेस होना चाहिए, क्या कहा, वीक बेस,
और उसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ क्या होना चाहिए, सॉल्ट होना चाहिए वीक बेस, और उसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट। अगर ऐसा होगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा बच्चों, ये होगा बेटा बेसिक बफर सॉल्यूशन। अगर ऐसी कंडीशन आ गई तो बेसिक बफर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा। ओके, लिखो बेटा एक स्टेटमेंट, formed by weak base, formed by weak base and its salt, formed by weak base and its salt with strong acid। ओके, यानी वीक बेस होना चाहिए और उसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ क्या होना चाहिए, सॉल्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन लिखे बेटा, जैसे मैं ये लिख दूं NH4OH, तो वीक बेस है, उसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड NH4 यानी HCl के साथ सॉल्ट हो जाए। या फिर जैसे अपन लिखे बेटा LiOH प्लस LiCl, या फिर जैसे अपन लिखे बेटा ZnOH होल ट्वाइस प्लस अपन क्या लिख सकते हैं ZnCl2, या फिर अपन क्या लिख सकते हैं AlOH होल थ्राइस प्लस अपन क्या लिख सकते हैं AlCl3। कहने का मतलब है वीक बेस और उसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ क्या होना चाहिए, सॉल्ट होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है तो वो क्या करेगा, बेसिक बफर का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर? लेकिन ये तो बेसिक से एग्जांपल है, मैंने क्या कहा था, गलती कौन करवाएगा, वो पहले वाले के इक्विवेलेंट ज्यादा होने चाहिए। याद है ना, ऐसे एग्जाम्पल ज्यादा कंफ्यूज करेंगे, दिमाग में सेट है तो इजिली कर सकते हो बेटा। ओके, कैसे, वो कंडीशन लिखो बेटा, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, following species are also behave like बेसिक बफर सॉल्यूशन, following species are also behave like basic buffer solution, but common iron note should be present। ओके, ठीक है, कैसे बेटा, एरो लगा के लिखो। नंबर वन, पहली कंडीशन तो क्या, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या कहा, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, बट क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ वीक बेस शुड बी ग्रेटर देन इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी वीक बेस के इक्विवेलेंट क्या होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड से ज्यादा होने चाहिए। आप कहोगे सर कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे वीक बेस अपन ये ले बेटा NH4OH, वीक बेस है या नहीं है, स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें, जैसे अपन लिखे HCl, ओके HCl अपन ने लिखा है। अब देखो बेटा कैसे होगा, वीक बेस और H, यानी बेस और एसिड HCl है बेटा, तो इन दोनों की रिएक्शन से क्या बनेगा, NH4Cl बन सकता, नहीं बन सकता, बन सकता है। अगर वीक बेस NH4OH की इक्विवेलेंट अगर ज्यादा है, इसकी अमाउंट ज्यादा है, तो इसका मतलब है ये सॉल्यूशन में रिमेनिंग होगा या नहीं होगा, होगा बेटा। NH4OH अगर ज्यादा है तो ये सॉल्यूशन में रिमेनिंग होगा, ये कम है तो ये तो खत्म हो गया, पूरा जीरो हो गया, ये रिमेनिंग होगा और इसका फॉर्मेशन हो ही गया, तो क्या लिखेंगे, NH4Cl, यस और नो। और हमें पता है NH4OH प्लस NH4Cl बेसिक बफर का फॉर्मेशन करता, नहीं करता, करता है बेटा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन अपन क्या कह सकते हैं, सॉल्ट प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, क्या कहा, सॉल्ट प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, लेकिन वही कंडीशन, क्या कहा, बट इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट शुड बी ग्रेटर देन, क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, कैसे बेटा, देख सकते हैं, सॉल्ट की अगर अपन बात करें, जैसे अपन ये लिया है NH4Cl प्लस
स्ट्रॉन्ग बेस अगर ले तो क्या लिखेंगे, अपन ले जैसे NaOH, इन दोनों की रिएक्शन से ये बताओ इसका कैटाइन NH4+ और OH- क्या बना सकता है, NH4OH। क्लियर, इसका मतलब NH4OH तो बन ही गया। ओके, और हमें पता है ये अगर ज्यादा अमाउंट में होगा तो ये रिमेनिंग होगा नहीं होगा, रिमेनिंग होगा, इसका मतलब सॉल्यूशन में ये भी रिमेनिंग है, रिमेनिंग है तो दोनों मिलकर क्या करेंगे, NH4OH+NH4Cl। ओके, इसका मतलब बेसिक बफर बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा बेटा। क्लियर, ठीक है, तो कंडीशन दिमाग में क्या सेट रखनी है बेटा, कंपेयर करते हुए ध्यान रखना, फिर कह रहा हूं इजी रहेगा। एसिडिक में क्या कहा था, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, और इसमें क्या कहेंगे, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड एंड सॉल्ट प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। फिर से सुन लेना, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड एंड सॉल्ट प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, और पहले वाले के इक्विवेलेंट ज्यादा होने चाहिए, पहले वाला मतलब हमने जो लिखा है वो पहले वाला, ना कि एग्जाम ने लिखे वो पहले वाला, एग्जाम ने इसका उल्टा भी दे सकता है, अपोजिट भी लिख सकता है, ध्यान रखना। क्लियर, कैसे करना क्या करना, समझ में आ गया बेटा, यस ऑर नो, नोट करो। कली नोट, तो ये अपने बात की बेटा, बेसिक वफर होता क्या है, इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, कैसे करना है क्या करना है, क्लियर, ठीक है। चलो बेटा अब बात करते हैं, वही बात करते हैं इसकी हेंडरसन इक्वेशन पर। ओके ठीक है, हेडिंग लिखो बेटा POH, POH ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन, यानी बेसिक बफर सॉल्यूशन के लिए POH की इक्वेशन क्या होगी, ये हमें कैसे ध्यान रखना है, POH ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन, POH ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन लिख लिए। सबसे पहले क्या करेंगे, एज ए रेफरेंस ऐसा एग्जांपल लेंगे बेटा जिसको अकॉर्डिंग अपन इक्वेशन बना सके, कैसे, POH बेसिक बफर, बेसिक बफर का मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, वीक बेस होना चाहिए NH4OH और उसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट होना चाहिए, यानी NH4OH प्लस NH4Cl। ओके ठीक है, सेम टू सेम वही मेथड है बेटा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, अगर मैं वीक बेस की रिएक्शन लिखूं तो ये हमें पता है क्या बनाएगा, NH4+ और OH-। क्लियर, और इसी के पैरेलल में अपन क्या लिखें, जो इसका सॉल्ट है उसकी रिएक्शन लिखे NH4Cl, ये हमें पता है ब्रेक होके क्या बनाएगा, NH4+ और Cl-। क्लियर, इसकी कंसेंट्रेशन C माने तो ये 0 और 0, और अगर X डिसोसिएट हो तो क्या बनेगा, C-X, तो ये क्या होगा, X और X। क्लियर, इसको अगर अपन Y माने, ये Y है तो ये 0 और 0, और अगर स्ट्रॉन्ग है सॉल्ट है तो पूरा का पूरा डिसोसिएट होगा तो 0 बच गया, तो फाइनली ये क्या बनेगा, Y और Y। क्लियर, अब दोनों में क्या है बेटा, दोनों केस में बात करें तो कॉमन आयन कौन है, NH4+ और NH4+। कॉमन आयन में क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग से आने वाली कंसेंट्रेशन को किस में ऐड करते हैं, वीक में ऐड करते हैं बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, X+Y, तो फाइनली किसके इक्वल हो जाएगा, Y के इक्वल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये हमें पता है ये जो X कंसेंट्रेशन आ रही है वो तो वीक बेस से आ रही है, और वीक अगर है तो वो नेग्लिजिबल डिसोसिएट होगा, तो उससे आने वाली कंसेंट्रेशन भी क्या होगी, नेग्लिजिबल होगी। क्लियर, जबकि यहां बात करें बच्चों, ये जो कंसेंट्रेशन है Y वो किससे आ रही है, स्ट्रॉन्ग से आ रही है, और स्ट्रॉन्ग से आने वाली कंसेंट्रेशन हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है, तो X+Y ऑलमोस्ट दोनों का सम क्या आएगा, वाई के इक्वल आएगा। क्लियर, लेकिन जैसे मैंने कहा अपना मेन कंपाउंड कौन होता है, वीक वाला होता है, तो वीक के लिए अगर मैं K की इक्वेशन लिखूं, K कांस्टेंट मतलब K बेस है तो क्या लिखूंगा, KB, और K हमेशा क्या होता है, वही प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट कौन है बेटा, NH4+ की कंसेंट्रेशन मल्टीप्लाई क्या करेंगे, OH- की कंसेंट्रेशन अपॉन क्या करेंगे, NH4OH की कंसेंट्रेशन, NH4OH। क्लियर, ठीक है, फिर से बात यही आ रही है बेटा, क्या यहाँ पर अपने बेस लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आयन की फॉर्म में लिखा है, और हमें जो डाटा देगा वो आयन के लिए कभी नहीं देगा, वो क्या देगा, बेस और सॉल्ट के लिए देगा, तो इस आयन की जगह मैं क्या लिखूंगा, सॉल्ट कहाँ से लेके आ सकता हूँ, क्योंकि इस कॉन्जुगेट आयन की कंसेंट्रेशन, कॉन्जुगेट आयन मतलब जो वीक बेस से बनने वाला आयन है, इस कॉन्जुगेट आयन की कंसेंट्रेशन सॉल्ट की कंसेंट्रेशन के इक्वल होगी या नहीं होगी, होगी बेटा, कैसे, आप देख सकते हो यहां जो कंसेंट्रेशन है वो देखो x है, और हमें पता है सॉल्ट से आने वाली कितनी है, y, और ये फाइनली किसके इक्वल आ रहा है, y के इक्वल ही आ रहा है, तो फिर से अपन क्या कह सकते हैं, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट द
कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। क्लियर? ठीक है, तो इस कॉमन आयन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, NS4OH, ये भी Y के इक्वल है, NS4Cl भी क्या है स्टार्टिंग में Y था, तो फाइनली अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, ये दो लाइन बेटा यहाँ भी लिखाऊंगा, ध्यान रखना वहां भी अपन ने लिखी नहीं है, वहां भी नोट करेंगे। ओके ठीक है, सेम वही बात है बेटा। तो क्या करेंगे, KB इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, NS4OH की जगह अपन क्या लिखेंगे, NH4Cl मल्टीप्लाई क्या है आगे, कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन क्या लिखेंगे, NH4OH। समझ में आ गया, यस ऑर नो? अब हमें पता है जैसे यहां अपने एग्जांपल लिया था, वीक बेस क्या था, NH4OH, और सॉल्ट कौन सा है, NH4Cl। लेकिन हर क्वेश्चन हमें इन्हीं का एग्जांपल दे, जरूरी है क्या? नहीं, कोई सा भी एग्जांपल दे सकता है, लेकिन एक बात तो श्योर है बेटा, क्या बेस होगा वो हमेशा यही आएगा, सॉल्ट होगा हमेशा यही आएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, KB इक्वल टू NH4Cl की जगह क्या लिख रहा हूँ, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट मल्टीप्लाई बाय क्या, कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन NH4OH की जगह क्या लिख रहा हूं मैं, कंसेंट्रेशन ऑफ बेस। क्लियर? अब जैसे मैंने कहा अगर एसिड होता है तो फाइनली अपन कहां तक जाते हैं, pH की इक्वेशन तक, अगर बेस होता है तो फाइनली अपन क्या करते हैं, pOH की इक्वेशन बनाते हैं। तो यहां हमें पता है बेसिक बफर की बात करें तो कौन सी इक्वेशन बनाएंगे बेटा, pOH की इक्वेशन बनाएंगे। और जैसे H+ की कंसेंट्रेशन से हमारे पास pH आता है, वैसे ही OH- की कंसेंट्रेशन से pOH आ सकता, नहीं आ सकता, आ सकता है बेटा। तो क्या लिखेंगे, कंसेंट्रेशन ऑफ OH- माइनस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, KB मल्टीप्लाई क्या करेंगे बेटा, कंसेंट्रेशन ऑफ बेस, ये इससे मल्टीप्लाई कर सकता हूं, कंसेंट्रेशन ऑफ बेस अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा बेटा, यानी सॉल्ट, ये इसके अपॉन में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, OH माइनस की कंसेंट्रेशन आ गई। क्लियर? और जब OH माइनस की कंसेंट्रेशन आ गई तो हमें ध्यान है pOH किससे आती है बेटा, pOH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन। सेम टू सेम वही मेथड, क्या OH माइनस की कंसेंट्रेशन का एंटी लॉग यानी माइनस लॉग लेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, pOH की वैल्यू आ जाएगी। इसमें वैल्यू पुट करें तो क्या लिखेंगे, pOH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस की जगह क्या लिखूंगा मैं, KB मल्टीप्लाई बाई कंसेंट्रेशन ऑफ क्या, बेस अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ क्या, सॉल्ट। क्लियर? ठीक है, अब बच्चों देखो माइनस को बाद में सोल्व करेंगे, लॉग को अगर सोल्व करें तो क्या लिखेंगे, लॉग KB मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ बेस अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। बात समझ में आ गई? क्लियर? इस माइनस को मल्टीप्लाई करें तो अपन क्या लिखेंगे, माइनस लॉग ऑफ KB, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस लॉग ऑफ किसकी कंसेंट्रेशन, बेस अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्ट। समझ में आया बेटा? ठीक है, चलो बेटा यहां तक नोट करो और आगे फिर इसे कंटिन्यू करते हैं। ये जो दो लाइन लिखी बेटा ये जरूर नोट कर लो, ये जो दो लाइन छोड़ी थी यहां पर ये लिख लो, लिखो ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट द कंसेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट आयन, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट द कंसेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट आयन इज इक्वल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट आयन इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट द कंसेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। लिख लिए इसी बात को बेटा, जो अपने एसिडिक बफर में दो लाइन छोड़ी थी वहां भी लिख लो सेम टू सेम। एसिडिक बफर में जो pH ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन अपने कहा था उसमें अपने हेंडरसन इक्वेशन बनाई थी, वहां भी लिखो क्या, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट द कंसेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट आयन इज इक्वल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन इज इक्वल टू या कंसेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट आयन इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्ट। ठीक है, चलो बेटा नोट करो फटाफट, कंटिन्यू आगे करते हैं फिर से।
कर लिया नोट, मुझाने दे। कर लिया होगा बेटा यहां तक तो ठीक है। चलो बेटा देखो आगे सोल्व करते हैं, वही बात आ गई बच्चों। देखो कैसे माइनस लॉग हमें पता है किसके इक्वल होता है, पी के इक्वल होता है, तो क्या लिखेंगे माइनस लॉग मतलब एंटी लॉग यानी किसके इक्वल होता है पी के इक्वल, तो अपन क्या कह सकते हैं माइनस लॉग की जगह मैं क्या करूंगा बच्चों, माइनस लॉग की जगह अपन पी लगाए तो अपनी इक्वेशन क्या हो गई पी ओ एच इक्वल टू, यानी क्या लिखेंगे पीओएच इक्वल टू, देखो माइनस लॉग क्या पी आगे क्या के बी, तो क्या हो गया पीओएच इक्वल टू क्या हो गया पी के बी, और इस माइनस को अगर मैं प्लस कर दूं तो लॉग के साथ वाली वैल्यू क्या हो जाएगी अपोजिट होगी नहीं होगी, तो क्या करेंगे बेटा लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ क्या हो गया बेस हो गया। क्लियर, बात समझ में आई, ये इसकी मेन इक्वेशन हो गई बच्चों पीओएच की, और इसको भी वही नाम दिया जाता है, क्या बोलते हैं इसे बेटा हेंडरसन इक्वेशन। क्लियर, क्या बोलते हैं इसे हेंडरसन इक्वेशन, इसका भी वही नाम है। लेकिन खास बात ध्यान रखने वाली बच्चों क्या कहेंगे, इसमें भी क्या होता है ये जो बेस है, क्या कहा ये जो बेस की कंसेंट्रेशन है कौन सी यूज करनी है, जो वीक बेस होगा उसकी कंसेंट्रेशन यूज करनी है, और ये जो सोल्ट लिखा है ये कौन सा होगा उसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ जो सोल्ट होगा उसकी कंसेंट्रेशन यूज करनी है बेटा, खास कर ध्यान रखना। क्लियर, ठीक है। अब क्या करेंगे यहां पर, क्या करेंगे बाय द वे वही अगर तुम्हें दे रखा हो कॉन्जुगेट आयन की अगर बात करें कि कॉन्जुगेट आयन की जो कंसेंट्रेशन होगी वो किसके इक्वल होगी सॉल्ट की कंसेंट्रेशन के इक्वल होती है, ठीक है। बाय द वे तुम्हें सीधा ऑप्शन दे रखा हो, न्यूमेरिकल तो नो डाउट सॉल्ट की फॉर्म में ही देगा, लेकिन कोई ऑप्शन दे रखा हो तो सॉल्ट की जगह आयन की फॉर्म में भी दे सकता है। क्लियर, ठीक है बेटा। अब जो वही कंडीशन अगर कंसेंट्रेशन दोनों इक्वल हो या फिर ये 10 टाइम हो वो 10 टाइम हो तो कैसे करते हैं, बात वही आ रही है। क्या पहली कंडीशन हमें क्या दे सकता है, इफ कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ क्या हो जाए बेस हो जाए, क्या कहा सॉल्ट की कंसेंट्रेशन क्या हो बेस की कंसेंट्रेशन के इक्वल हो, तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं पीओएच, पीओएच इक्वल टू क्या हो जाएगा पीकेबी प्लस लॉग, अगर बेस अगर एक्स है तो सॉल्ट भी क्या हो गया एक्स हो गया बेटा, ठीक है एक्स से एक्स को उड़ा दे तो फाइनली अपने पास क्या बच गया, यानी क्या लिख सकते हैं अपन पीओएच, पीओएच इक्वल टू क्या हो गया पीकेबी प्लस क्या हो गया लॉग वन, और लॉग वन किसके इक्वल होता है जीरो के इक्वल, तो फाइनली अपने पास क्या आ गया पीओएच, पीओएच इक्वल टू क्या हो गया पीकेबी। क्लियर, और इसी को बोलते हैं बेटा, इसको क्या नाम देते हैं, इसको बात वही आ गई, क्या मैक्सिमम बफर कैपेसिटी, क्या कहा मैक्सिमम बफर कैपेसिटी बेटा, इसको ऐसा बोलने का रीजन क्या है, ध्यान है ना स्टामा कर रहा हूं बेटा क्वेश्चन बनता है, इसको बोलने का रीजन क्या है क्योंकि यहां जो पीओएच की वैल्यू आएगी वो जो बेस का कांस्टेंट होगा एक्जेक्ट उसके इक्वल आएगी, यानी बेस का कांस्टेंट जो के बी है वो हमें पता है कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू फिक्स है, तो उससे जो पी के बी आएगा वो फिक्स है, उससे जो पीओच आएगा वो फिक्स है, पीओच अगर फिक्स है तो पीएच फिक्स है, पीएच अगर फिक्स है तो मतलब चेंज नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा मतलब अपोज करने की टेंडेंसी मैक्सिमम है, तो इसी को तो क्या बोलते हैं मैक्सिमम बफर कैपेसिटी बेटा, समझ में आ गया। क्लियर, ठीक है। चलो बेटा आगे बात करते हैं, ये तो नोट कर लिया होगा। और कंडीशन हमें क्या दे सकता है बेटा, या तो ये 10 टाइम हो या फिर ये 10 टाइम हो, तो अपन क्या कह सकते हैं बेटा इफ कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा 10 टाइम कंसेंट्रेशन ऑफ बेस, यानी सॉल्ट की कंसेंट्रेशन क्या हो बेस की कितनी हो 10 टाइम हो, तो अपन क्या कह सकते हैं अपनी इक्वेशन में वैल्यू पुट करें तो क्या लिखेंगे पीओएच, पीओएच इक्वल टू क्या हो जाएगा PKB प्लस लॉग, इसको अगर मैं बोलूं बेटा x तो ये क्या हो जाएगा 10x होगा या नहीं होगा, यस और नो होगा बच्चों, x से अगर x को उड़ा दे तो क्या लिखेंगे ये कितना आ जाएगा, फाइनली अपन क्या कह सकते हैं PKB प्लस लॉग 10, और लॉग 10 कितना होता है 1, तो अपने पास क्या आ गया
POH, POH is equal to क्या होगा बेटा PKP plus 1 हो जाएगा, समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। या फिर अपन क्या कह सकते हैं, अगर ये कंडीशन आ जाए, इफ कंसेंट्रेशन ऑफ बेस, कंसेंट्रेशन ऑफ बेस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 10 टाइम कंसेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्ट, यानी बेस वाली कंसेंट्रेशन अगर सॉल्ट की 10 टाइम हो तो अपन क्या कर सकते हैं बेटा POH, POH इज इक्वल टू क्या होगा PKB प्लस लॉग, कैसे, सॉल्ट की कंसेंट्रेशन x हो तो ये कितनी हो जाएगी 10x हो जाएगी, x से मैं x को उड़ा दूं तो क्या बचेगा PKB प्लस क्या हो गया लॉग 1/10, क्लियर। और अगर log 1/10 को log 10 बनाऊं तो क्या लिखेंगे बेटा PKB माइनस क्या हो गया log 10, और log 10 कितना होता है 1, तो फाइनली मेरे पास क्या आ गया POH, POH is equal to क्या हो गया PKB माइनस 1, समझ में आया बच्चों कैसे किया, यस ओ नो, क्लियर। और यहां तक बात समझ में आई, ओके ठीक है। और यहाँ अपनी जो हेंडरसन इक्वेशन अपने लिखी है बेटा, इसके अकॉर्डिंग अपन क्या कह सकते हैं, अपने पास POH की रेंज आ सकती है, नहीं आ सकती, आ सकती है बेटा। तो फाइनली अपन लास्ट में क्या लिख सकते हैं, अपने पास क्या लिखेंगे POH रेंज, क्या कहा POH रेंज इक्वल टू क्या आ जाएगा PKB, PKB देखो अगर सॉल्ट की कंसेंट्रेशन 10 टाइम है बेटा तो अपने पास रिजल्ट क्या आ रहा है PKB प्लस 1, अगर ये 10 टाइम आ रहा तो PKB माइनस 1, तो क्या लिखेंगे POH रेंज इज इक्वल टू PKB प्लस माइनस 1, ये अपने पास POH रेंज आ जाएगी, समझ में आया कैसे किया, क्लियर, यस और नो, ठीक है। आवाज नहीं आ रही, एक मिनट थोड़ा सा करने दो, कंटिन्यू ना, चल रहा ना, चलो बेटा। तो ये अपने बात की बच्चों, देखो यानी बेसिक बफर सॉल्यूशन है, उसकी हेंडरसन इक्वेशन है क्या होती है, कैसे होती है, यहां तक बात समझ में आई बेटा, ठीक है। इसे नोट करो और रिवाइज करना बेटा, कोई डाउट हो तो वो जरूर पूछना। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा अपन क्या करेंगे, इस पर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ओके, न्यूमेरिकल करेंगे और अपना बफर कंप्लीट है। तो एक बात ध्यान रखना बेटा, इसमें ये जो आपको लेक्चर है बेटा आज का, ये अपने YouTube चैनल पर भी कल आपको मिल जाएगा, आपको कल अपने YouTube चैनल पर मिलेगा, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत आ जाए बेटा तो वहां भी आप को दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हो, कैसे करना है क्या करना है, ओके। कोई भी डाउट हो फिर से लेक्चर को वीडियो रिकॉर्ड आप देख सकते हो, और कॉपी में अच्छे से रिवाइज करके, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल मैसेज करके पूछ सकते हो, अच्छे से पढ़ना है, कोई भी दिक्कत हो कॉन्टेक्ट कर लेना बेटा, ओके। बाकी कंटिन्यू करेंगे इसे नेक्स्ट लेक्चर।